बाहर ऐसे एक बार बाहर ऐसे तुम आ जाओ। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا بزرگان ملت عزیزان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل شانہ وعمن والہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر فخر عظیم عنایت فرمایا۔ بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا کہ اس نے اس پرآشوب اور پرفتن دور میں ہمیں آج تک زندہ رکھا، اپنی منشا کو سمجھنے کے لیے، اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات لیلۃ القدر کے عنوان سے تیسری شب بیداری اور طاق رات میں جمع فرمایا۔ محترم بزرگ اور دوستو، میں نے خطبے کے دوران قرآن کریم کی ابتدائی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ چونکہ شب قدر کو قرآن سے ایک خاص تعلق ہے،
और रमज़ानुल मुबारक को फिर कुरान से एक अलग ताल्लुक़ है। दोनों के मुताल्लिक अल्लाह ताला ने अलग अलग मंशा वाज़ह किया और फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें हमने कुरान को नाज़िल किया। तो यहाँ सवाल होता है कि रमज़ानुल मुबारक में जब कुरान नाजिल हुआ तो मुमकिन है कि पूरे महीने में कुरान नाजिल हो? तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने शबे क़द्र में लैलतुल क़द्र में कुरान को नाजिल फरमाया। और आख़िरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शबे क़द्र को तलाश करो, सही बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, तहर्रु लैलतुल क़द्र फिल वित्र मिन अल अशर अल अवाखिर मिन रमज़ान, शबे क़द्र को रमज़ान के आखिरी 10 दिनों के ताक रातों में तलाश करो, उसमें तुम उसको पाओगे। तो गुफ्तगू कुरान से मुताल्लिक करनी है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने शबे क़द्र के फजीलत के पीछे कुरान को रखा और रमज़ान के फजीलत के पीछे भी कुरान को रखा। रमज़ानुल मुबारक की जो फजीलत अल्लाह तबारक व ताला को बयान करनी थी तो अल्लाह तबारक व ताला ने रमज़ानुल मुबारक के तारुफ में कि रमज़ान इतने फजीलत का महीना इसलिए बन गया कि इसमें हमने कुरान को नाज़िल किया। शहर रमज़ान, रमज़ान का महीना वो है अल्लज़ी, अब यहाँ अल्लज़ी का मतलब ये है कि यहाँ से उसका तारुफ दिया जा रहा है, यानी अल्लज़ी का मतलब उसकी सिफात बयान करने के लिए जुमला इस्तेमाल होता है कि महीना रमज़ान का वो है उसके अंदर जो कमाल है, उसके अंदर जो फजीलत है, उसका मकाम और मर्तबे की शनाख्त इस बुनियाद पर है कि उसको कुरान से निस्बत है। अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, इसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, ये महीना इससे पहले भी था। मज़हब इस्लाम ने इस महीने को रमज़ान नहीं रखा। अरबी में रमज कहते हैं, अलिफ नून ज़ायद है, रमज़ान का माना है सख्त धूप में, सख्त गर्मी में कोई सख्त चट्टान तेज़ गर्म हो जाए तो उस चट्टान को जो धूप की वजह से, गर्मी की वजह से वो गर्म हो गया है उसको रमज़ान रमज़ कहते हैं, रमज़ कहते हैं। तो ये महीना अरब के नज़दीक हमेशा जब भी आता तो ये महीना ऐसे सख्त धूप में आता कि उनके पत्थर, उनके घर, जो कुछ अशिया है वो सख्त इंतहाई गर्म हो जाती, इसलिए नाम रख दिए। हर महीने के नाम रखने का एक वजह थे, मज़हब इस्लाम ने किसी महीने का नाम नहीं रखा, नाम नहीं रखा। हाँ, महीनों की तादाद के बारे में अल्लाह ताला ने बताया इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इतना आशा शहरन फी किताबिल्लाह, अल्लाह के नज़दीक महीने 12 है, ये 12 है अल्लाह के नज़दीक। ये क्यों फरमाया? अरब का दस्तूर ये था कि 4 महीने, मिन्हा अरबअतुन हुरुम, उसमें 4 महीने हुरमत वाले हैं। तो जब वो किसी 4 महीने, साल भर जंग छिड़ जाती तो 4 महीनों को अलग करते और ये मुआहदा, ये वादा एहद करते कि इन 4 महीनों में जंग नहीं करनी है। जब जंग अपने शबाब पर गर्मी में होती तो वो लोग क्या करते, वो लोग ये करते कि ये महीना आगे पीछे कर देते, एक महीने को आगे पीछे कर देते, और एक कभी ये कहते कि भाई इस साल सिर्फ 11 महीने, उस महीने को निकाल देते अपने ज़रूरत के खातिर। मसलन जंग चलते चलते
मुहर्रम का महीना आ गया, आ जाए तो मुहर्रम का महीना हुरमत वाला है। चार महीने हुरमत वाले हैं जिनमें जंग करना मना था। सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया वो चार महीने क्या है, ज़िलक़ादा का महीना, ज़िलहज का महीना, मुहर्रमुल हराम का और फिर रजब का। ये चार महीने, ये चार महीने हुरमत वाले महीने है। इसमें बाइज़्ज़त इज्जत व एहतराम से यहाँ रहना है, इस महीने की फजीलत अलग होती है। तो बात ये थी कि जब कभी जंग का ऐसा मौका आ जाता तो वो लोग क्या करते, अपने अंदर ये तय करते कि भाई इस साल ज़िलहज का महीना नहीं है या मुहर्रम का महीना इस साल नहीं है। जब आखाए तो जहाँ तशरीफ़ लाए तो यही मुआहदा हुआ, उन्होंने किसी मौके पर कहा कि इस साल मुहर्रम का महीना नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल किया और फरमाया इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक जो महीनों की गिनती है वो क्या है, इतना आशारा शहरन, वो 12 महीने हैं, किसी को टालने की गुंजाइश नहीं है, हर साल 12 महीने रहेंगे। तो मजहब महीनों के नाम हमने नहीं रखा, इस्लाम ने नहीं रखा, उससे पहले था, उससे पहले रबीउल अव्वल का नाम रबीउल अव्वल इसलिए रखा, उस वक्त खजूर पक जाते थे, दरख्तों से खजूर को उतारने का मौसम आ जाता था, तो उस महीने को रबीउल अव्वल रखा और सरकार दो आलम उस महीने में पैदा हुए। बहार का महीना था, वो महीना था ही पहले से खुशियों का, वो महीना पहले से ही खुशियों का था। सफ़र का महीना, नाम सफ़र इसलिए रखे हैं, अरबी में सफ़र और सिफर कहते हैं, सफ़र और सिफर ज़ीरो को कहते हैं, ज़ीरो मतलब ये है, इसलिए रखे कि मुहर्रम ज़िलक़ादा से हुरमत वाले महीने शुरू हो गए, यानी जंग बंद कर देनी थी। शव्वाल तक अगर जंग किए तो ज़िलक़ादा, फिर ज़िलहिज्जा, फिर मुहर्रमुल हराम, तीन महीनों में जंग बंद करनी पड़ती थी। तो तीन महीनों में जब जंग बंद कर देते तो तीन महीने के फासले के बाद जो महीना आता था वो सफ़र का महीना था, वो सफ़र का महीना होता था। तो तीन महीने के बाद अब घरों से जंग की तैयारी होती थी, अब सारे घर खाली हो जाते थे, लोग जंग के लिए निकल जाते थे, तो उसको उन्होंने सफ़र नाम रख दिया, मतलब घर खाली हो जाते थे। सफ़र का माना क्या है, खाली हो जाना, सिफर और सफ़र एक माना है। इसमें मजहब इस्लाम ने कोई तब्दीली नहीं की, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अकीदे को देखा और अरब में ये चीज़ दस्तूर था कि इस महीने को मनहूस बेबरकत समझते थे, कि भाई इस महीने में घर के मर्द खाली हो जाते हैं, घर खाली हो जाते हैं, मनहूस होना उस दौर से चला गया था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सफ़र के साथ मुजफ्फर लगा दिया, इसको बेबरकती वाला महीना तुमने बना लिया है, अल्लाह ने तो इसमें भी अगर रहमतें रखी है। तो महीनों के नाम जो रखा गया था ये अहले अरब ने उस मुनासबत से रखा, ये महीना इसका कोई तारुफ नहीं था, इस महीने को तारुफ कुरान करीम से मिला। ये महीना पहले से भी रमज़ान था, दिन पहले से थे, जुमा हफ्ता इतवार सब थे, मगर जुमा पहले था। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पेश किया कि किसी एक दिन का इंतखाब कर लो हमारी इबादत के लिए, तो उन्होंने हफ्ते का इंतखाब किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने इतवार का इंतखाब किया, सरकार दो आलम ने जुमे का इंतखाब किया, जुमा उस वक्त भी दिन था, जुमा उस वक्त भी था मगर इंतखाब नहीं हुआ था। ये महीना भी पहले से था। अल्लाह तबारक व ताला इस महीने की तारीफ कर रहा है कि इस महीने का तारुफ करे कि इस महीने की खसूसियत क्या है। इस महीने की खसूसियत इसलिए बढ़ गई कि इसमें कुरान नाजिल हुआ, इसमें कुरान का नाजिल होना ही इस महीने का मर्तबा बढ़ाना है। अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, फिर कुरान क्या है, हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत इसमें। तो ये बात थी। और शब कदर के बारे में अल्लाह ताला ने बतलाया इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, शब कदर ये रात भी अफजल इसलिए हो गई कि इसमें कुरान का नुज़ूल हुआ। तो कुरान करीम अल्लाह का वो कलाम है, अब हम गुफ्तगू करेंगे कि कुरान क्या है, हम आज हमारा मौजू ये रहेगा कि कुरान क्या है, कुरान क्या कहता है,
कुरान का अंदाज़े गुफ्तगु क्या है, कुरान हिदायत किसको देता है, गुमराह किसको करता है, क्या कुरान गुमराह भी कर सकता है और क्या कुरान हिदायत भी दे सकता है। तो हिदायत देगा तो किसको देगा, गुमराह करेगा तो किसको करेगा। अब इसके तफसीलात कुरान में क्या है और क्या नहीं है, ये सारी तफसील पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले ये बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेयार उसूल एक कायम करके बतला दिया कि लोगों रमज़ान का मकाम और मर्तबा, इसमें कोई खूबी अपने ज़ात में नहीं थी, इसको खूबी मिली रमज़ान मुबारक कुरान के नुज़ूल से। शबे कदर ये रात पहले भी थी, ये रात रमज़ान में ये ताक रातें आखिरी अशरा फिर उसमें ताक रातें 21 की रात 23 की रात 25 की रात 27 और 29 की रातें, ये रातें जब से दुनिया शुरू हुई ये रातें ये महीने आ ही रहे थे, मगर एक उसूल हमने कायम कर लिया कि हमारा कलाम जिसमें नाजिल हो जाए वो अगर महीना रहे तो महीना मुबारक है, वो अगर रात रहे तो रात भी मुबारक है, उस रात में एक रात में अगर इबादत कर ले तो हजार महीनों से अफजल है। अल्लामा आबूसी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है, तफसीर है रूहुल मानी, बड़ी मोतबर तफसीर है। आपने बयान किया कि कुरान करीम को अल्लाह तबारक व ताला ने एक ऐसी फजीलत दी, अल्लाह का ये कलाम, इसमें अल्लाह का वो मंशा है कि इस कुरान से नस्बत रखने वाली हर शय को अल्लाह ने मुअज्ज़ज़ कर दिया, हर शय को मुअज्ज़ज़ कर दिया और कायनात में इस कुरान के नुज़ूल से फजीलतें बढ़ गई और इस कुरान के नाजिल होने से, इस कुरान के नुज़ूल से अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया में मर्तबों को बढ़ा दिया। जिस रात में ये कुरान नाजिल हुई वो रात 1000 महीनों से अफजल, जिस महीने में ये कुरान नाजिल हुआ वो महीना सारे महीनों का सरदार, जिस उम्मत में ये कुरान नाजिल हुई वो उम्मत सारी उम्मतों पर सरदार, ये कुरान जिस नबी पर नाजिल हुआ वो नबी सारे नबियों का सरदार, जिस कौम पर ये कुरान है, जिस कौम ने इस कुरान को उठाया, जिस कौम का एक बच्चा अल्लाह तबारक व ताला अगर इरादा कर ले कि इस कौम को मैं हलाक कर दूं, अल्लाह का फैसला आ जाए, अल्लाह का हुक्म आ जाए कि मुझे इस कौम को हलाक करना है, आकाए तो जहां इरशाद फरमाते हैं उस कौम का एक बच्चा अगर इस कुरान के किसी एक आयत को पढ़ ले या सूरह फातिहा को पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व ताला अपने नाफिस करदा अजाब को उस कलाम के पढ़ने के बदले उठा लेता है। फजीलतों के सारे मियार अल्लाह ताला ने कुरान पर रख दिया, सारे मियार को कुरान पर रख दिया। सहाबा इकराम की जिंदगियों में बहार कुरान करीम से, वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, अल्लामा इकबाल ने कहा था वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर और तुम खार हो तारीख़े कुरान होकर। उन्होंने कुरान को सामने रखा तो उनको इज्जत मिली, तुम्हारी पस्तियाँ इसलिए है कि तुमने कुरान को छोड़ दिया। अब हमारा सवाल है कि हमने कुरान को क्या छोड़ा, अब तक हमने कुरान को पढ़ा था रवि में, इस ज़माने में जितना कुरान है पहले नहीं था, अब तो कुरान के इतने नुस्खे हैं मस्जिदों में हर जगह, बस कुरान उन औराक में रह गया। कुरान चंद वर्कों का नाम नहीं है, हाँ वो भी कुरान है, उसको पढ़ने के लिए है, वो पढ़ने के लिए है, जिसके पास है वो पढ़ने के लिए है। कुरान की जो फजीलतें हैं वो कुरान से फ़ायदा उठाने वालों के लिए है। उसी ज़िमन में आयत करीमा के तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अलिफ लाम मीम कह के अल्लाह ने सबको आजिज़ कर दिया, ये कलाम वो है इस पर तुम गुफ्तगु नहीं कर सकते, इसके मुकाबले में कुछ पेश नहीं कर सकते। अब अलिफ लाम की तशरीह, अलिफ लाम मीम की तशरीह करनी नहीं है, उसका मुराद तो अल्लाह के पास है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है, शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। ये क्यों फरमाया, दुनिया में हर आदमी किताब लिखता है तो किताब के शुरू में ये लिख देता है कि अगर
किसी को इस किताब में कोई खामी नज़र आए, कोई गलती नज़र आए, तो अल्लाह के वास्ते हमें मुत्तला करे, हमें आगाह करे कि तुम्हारी किताब में फला गलती है। हर किताब का ये शेवा है दुनिया में, कोई भी किताब लिखता है तो वही यही कहता है कि इस किताब में अगर कोई गलती है तो हमें बता दिए, हम दूसरे एडिशन में इस गलती को निकाल कर, हम नया एडिशन इस गलती को हटाकर साफ पाक पेश करेंगे। अब जब दूसरा एडिशन आया तो फिर वो वही लिखेंगे कि अगर किसी को फिर गलती नज़र आए फिर हमें आगाह करें, अब फिर कोई अगर कोई गलती बताए तो फिर उसको हटाकर तीसरा एडिशन अलग होता है। तो हर किताब लिखने वाला खुद ये इकरार करता है, इस बात को वो खुद बयान करता है कि भाई ये किताब मेरी आयबदार है, मैं ये दावा नहीं करता कि ये बेआयब है। ये उसूल था, कायनात में एक ही एक किताब कुरान करीम है जिसका इब्तदाई मजमून ही सारी किताबों से अलग है। हर किताब लिखने वाला ये कहता है अपने किताब के सरे वर्क पहले वर्क पे लिखता है कि इसमें किसी को गलती आए तो हमें बता दो, इसमें कोई बात नाजेबा रहे, समझ में ना आने वाली बात रहे तो हमें किताब लिखने वाले को कह दो, उसको पैगाम दो, उसको आगाह करो कि तुम्हारी किताब में ये गलती है। हर किताब का पहला मजमून उसके ऐब की तरफ इशारा करता है, कुरान का पहला मजमून उसके ऐब को जहन से निकालने का मजमून बयान करता है कि सबसे पहले जहन को हटाओ, इसमें शक की गुंजाइश ना रखो, इसमें शक। ये सिर्फ ईमान वालों से नहीं है ये गुफ्तगू, ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये गुफ्तगू ईमान वालों से नहीं है, यही तो तय करना है कुरान करीम किस किस से गुफ्तगू करता है। कुरान करीम ईमान वालों से गुफ्तगू करता है, कुरान करीम यहूदियों से गुफ्तगू करता है। قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا, اے وہ لوگوں جو یہود ہیں ان کو خطاب کیا, یا ایہ الذین آمنوا, ساری امت محمدیہ, اے ایمان والو, اے ایمان والو, یہود بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں مگر ان کو ایمان والا نہیں کہا, یا ایہ الناس, اے لوگو, یہاں پر سارے آ گئے, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी, आमतौर से या अय्युहन नास, ऐ लोगों, कहा तो हर मजहब का बिलखुसूस मुशरिकीन कुफार यहाँ खिताब में, कुल या अय्युहल लज़ीन कफरू ला तअतज़िरु अल्यौम, कुरान करीम ने काफिरों को भी खिताब किया, ये किताब काफिरों से भी खिताब है। हुदल लिन्नास, अल्लाह ने कहा सारे इंसानियत के लिए इसमें हिदायत है, इंसानियत के लिए हिदायत क्या है, फिर इंसानियत के लिए हिदायत क्या है, हिदायत का मतलब उनको रास्ता है, उनके लिए दुनिया में भी रास्ता है, उनके लिए दुनिया में भी रास्ता है, आखिरत में भी रास्ता है। तो हर एक आदमी को चाहे मुशरिक हो कुरान उससे भी खिताब करता है, अगर वो काफिर हो कुरान उससे भी गुफ्तगू करता है, अगर वो मोमिन हो कुरान उससे भी गुफ्तगू करता है, मुतालबा नहीं करता, खिताब कह रहा हूँ, मुतालबा नहीं करता, मुतालबा और हुक्म पाबंद जिसको करना है वो सिर्फ ईमान वाले को करता है, पाबंद सिर्फ मुसलमान को करता है, दूसरों को पाबंद नहीं करता, क्यों, ईमान के बाद है पाबंदियां सब, पाबंदियां सब। या अय्युहल लदीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ लोगो तुम पर, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, रोजे फर्ज किए गए हैं इस बात को कहने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने जिस खिताब को इख्तियार किया, नमाज पढ़ने के लिए जब कहना था उसके लिए जिस खिताब को इख्तियार किया, हर हर छोटे से छोटे हुक्म, बड़े से बड़े हुक्म, अपने बंदों को किसी हुक्म का पाबंद बनाना है तो अल्लाह तबारक व ताला ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए दस्तूर दिया कि सबसे पहले उनके ईमान को ललकारा कि ऐ ईमान वालों, तुम्हारे अंदर ईमान है, तुम अगर मुसलमान हो, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर आखिरत पर ईमान रखते हो तो फिर तुम इसके पाबंद हो जाओ, फिर तुम इसके पाबंद हो जाओ। तो ये ईमान के बेस पर सारी चीजें रखा, तो ईमान का लफ्ज कह के अल्लाह तबारक व तआला पाबंद करता है और दीगर सारे लोगों को मुख्तलिफ चीजों से गुफ्तगू किया, मुख्तलिफ चीजों से, क्यों,
कुरान करीम ने खुद बयान किया। अब हैरत की बात हमें है और हैरत की जरूरत नहीं है, सब चीजों का इजाला। वनज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शय, हमने कुरान को इसलिए नाजिल किया कि हर शय को खोलकर बयान कर दे, हर शय। इस आयत के बारे में हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि यह कुरान क्या कह रहा है, हर शय कुरान में है, हर शय के बारे में कुरान ने तज़किरा है, ऐसा कैसा हो सकता है एक छोटी सी किताब उसमें हर बात का तज़किरा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ये वो है जिन्हें सुल्तान उल मुफस्सिरीन या रईस उल मुफस्सिरीन कहते हैं। सही बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, आप बयान करते हैं कि मैं आकाए दो जहाँ की खिदमत करता था, तहज्जुद के वक्त ये लोग आपसे सवाल क्यों करते हैं। तफसीर में सबसे मोतबर तफसीर अगर अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अनु का कौल आ जाए तो उसका सबसे बड़ा दर्जा है, ये बात तय है। ये सहाबी सारे सहाबा में से अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अनुमा ऐसे सहाबी है, ये अगर कह दे कि इस आयत की तफसीर ये है तो उसको रद्द नहीं कर सकते, उसका मर्तबा बढ़ जाता है। तो आपका ये मकाम कैसे मिला, बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, आप इरशाद फरमाते हैं मैं आकाइद जहाँ की खिदमत क्या करता था, तहज्जुद के वक्त हाजिर हो जाता था और इंतज़ार करता था सरकार द्वारा उठते हैं, मैं वजू के लिए खिदमत के लिए पानी पेश करता था। चंद दिन गुजरे, चंद दिन गुजरे, एक लंबा चौड़ा ईमान अफरोज वाकया है। आपने सारे कमालात भी बयान किए, मैं सारी हदीस बयान करता हूँ उसमें से पूरा मौजू नहीं है, मगर ईमान अफरोज वाकया आप बयान करते हैं। मैं एक दिन सरकार के पास गया और खिदमत में बैठ गया और ये इंतज़ार करने लगा कि आखाए दो जहाँ अब उठेंगे बेदार होंगे, मैं वजू के लिए पानी पेश करूँ। वक्त गुजरा, थोड़ी देर के बाद आखाए दो जहाँ की नींद से आँख खुली, बेदार होते हैं फिर आकर उठते हैं नमाज पढ़ने के लिए, आप पानी पेश करने के लिए तैयार हो गए तो हुजूर सीधा गए मुसल्ला बिछाए और रकात बांध खड़े हो, वजू नहीं फरमाया, वजू नहीं फरमाया, दो रकात नमाज पढ़े फिर अपने बिस्तर के पास आए फिर सो गए और आंख लग गई। अब किसी को शक होगा कि सोए नहीं थे होंगे, ऐसे ही लेटे थे होंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास खुद फरमाते हैं बुखारी शरीफ में हदीस है, फरमाते हैं कि मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आंख बंद हुई तो मैंने धीमी धीमी से आवाज़ में हुजूर के खराटों को भी सुना, सोने के हाल में जो आवाज़। मुहद्दिसीन ने इसको इस पर भी कलाम किया है, इस पर भी गुफ्तगू की है हमारे अहलुल्लाह ने कि ये जो खराटे हैं इसका पूरा तिब्बी मुआयना कर दिया और कहा कि धीमी से अंदाज, ये नहीं कि ऐसा ऐसे ज़ोरदार के लोगों की नींद भी ख़राब हो जाए, ये बात नहीं है, ऐसे छोटे से आवाज़ में ये ऐसा आना इंसान के कामिल सेहतमंद होने की अलामत है जो आकायद जहाँ के पास थी। आप खुद बयान करते हैं आँख लगती थी मैं धीमी से खराटे सुनता था, तो मतलब ये थे आँख लग गई थी, यूं ही लेटे हुए नहीं थे। फिर थोड़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर आए, फिर मुसल्ला बिछाए, फिर दो रकात नमाज पढ़ ली, वजू नहीं फरमाया। ये उस वाक़े का पस मंज़र है। इस तरह से एक ही रात में छः मरतबा वाक़िया पेश हुआ। ये वजू देने के लिए तैयार होते थे पानी पेश करने के लिए और वजू मुसल्ले पे खड़े हो जाते थे, छठवीं मरतबा आपने जब देखा तो भाई ये मैं वजू के लिए वजू कराने में पड़ा हुआ हूँ, क्यों ना मैं सरकार द्वार के बाजू में ठहर कर, अभी उम्र 7-8 साल की है, ज़्यादा नहीं, ये उम्र अब्दुल्ला बिन अब्बास का 7-8 साल की उम्र का वाकया है। आप बयान करते हैं कि मैं वजू में पड़ा हुआ हूँ, क्यों ना मैं सरकार दो आलम के बाजू ठहर कर नमाज में शामिल हो जाऊँ। छठवीं मरतबा जब सरकार दो आलम रकात बन खड़े हो गए तो आप गए और पीछे खड़े हो गए, जैसा इमाम के पीछे खड़े होते हैं बिल्कुल नमाज में हम वैसे खड़े हो गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया, हुजूर महसूस किए तो उनको उनका हाथ पकड़ के अपने बाजू कर लिए। दो आदमी अगर नमाज पढ़ना है
तो उसका तरीका ये है कि मुक्तदी मुक्तदी जो होता है वो इमाम के पैरों से ज़रा हटकर, यानी उसके सामने पैर का हिस्सा इमाम के एड़ियों के बराबर हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको वहाँ खड़ा कर रहे, आप फिर पीछे हट गए। तो फिर उनके छोटा बच्चा है, मालूम क्या होगा, छोटे बच्चे में भी ईमान है तो अकीदा क्या होता है। आप ये बुखारी शरीफ की हदीस है, फिर पकड़ के ला के हुजूर खड़ा दिए, फिर वो पीछे हट गए। दो तीन मरतबा ये वाकया हुआ, हुजूर छोड़ दिए। जब नमाज ख़त्म हो गई, दो रकात की नमाज ख़त्म हो गई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ के पूछे कि अब्दुल्ला क्या हुआ, मैं तुम्हें बाजू खींच रहा हूँ और तुम पीछे जा रहे हो, नमाज पढ़ने का ये तरीक़ा नहीं है। जब इमाम के साथ मुक्तदी एक हो तो तरीक़ा ये है कि उसके बराबर ज़रा पीछे हट कर ठहरा जाए, ये तरीक़ा है। तुम क्यों पीछे जा रहे हो? तो अब्दुल्ला बिन अब्बास 7-8 साल की उम्र है और फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, अब्दुल अब्बास के बेटे में ये मजाल नहीं कि वो अल्लाह के रसूल के बाजू रहकर नमाज पढ़े। अब्दुल्ला के अब्बास के बेटे के अंदर वो मजाल नहीं जिसके क़ियादत में, जिसकी इक्तदा में अंबिया अलैहिस्सलाम ने पीछे हटकर नमाज पढ़ी हो, जिसकी इक्तदा में इब्राहिम खलील जैसे, जिसकी इक्तदा में मूसा कलीम जैसे, जिसकी इक्तदा में नूह अलैहिस्सलाम जैसे ऐसे नबी पीछे हट जाए और अल्लाह के रसूल के मैं बाजू खड़ के नमाज पढ़ूँ, मेरी ये मजाल नहीं है, मुझे मसले की ज़रूरत नहीं थी, बस पीछे हट गए। तो इस बात पर फजीलत क्या मिली? आप फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाए और अपने सीने से लगा लिए और दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वफक्किहु फिद्दीन, ऐ अल्लाह इसके सीने को खोल दे और इसको तेरे किताब का इल्म सिखा और इसके दिल को तफक्कुह के लिए इंतखाब कर ले। तो ये जो दौलत मिली कि अब सहाबाए किराम, ये वाकया सहाबा मशहूर हो गया, जब भी आते तो सरकारी द्वारा ने कह दिया ये जो तौफीक, ये जो मर्तबा मिला कि ऐ अल्लाह इनके सीने को खोल दे, अपने किताब का इल्म से अता फरमा, इसकी बुनियाद क्या थी? अदब मुस्तफ़ा थी, अकायद जहाँ से वारफ्तगी, अदब का ये इजहार, ये वारफ्तगी आपको इस मर्तबा पर पहुँचा दिया। बच्चे ही है छोटे, मगर हुजूर पाक की वफात के वक्त आपकी उम्र 13 या 14 साल की थी, 13 या 14 साल की थी, ज़्यादा नहीं थी उम्र। 14 और 13 साल में मजहबी फ़र्ज नहीं होता, अभी आकिल बालिग नहीं होता, मगर ईमान जिसके पास होता है, अहलुल्लाह ने बुजुर्गाए दीन ने बताया इंसान का अकल की बुलुगियत बालिग और आकिल कब होता है? एक जिस्मानी बुलुगियत है, एक जहनी और कल्बी रूहानी बुलुगियत है। अकल एक, अब ये जो अकल है हमारी वो 15 साल पर बालिग होते हैं और आकिल होते हैं। समझदारी, ये किसकी समझदारी है? ये अकल जो मजहब इस्लाम गुफ्तगू करता है वो जिस्म के तारुफ का है, उसको सही नहाना आ गया, सही पाक साफ होना आ गया, इसको आकिल और बालिग कहते हैं। साफ सफाई का ख्याल हो गया किसका? जिस्म का। जिस्म के साफ और सफाई का, पाकी का जिसको एहतमाम और तमीज़ आ जाए उसको आकिल कहते हैं। और वो अकल वाला किसमें है? जिस्म में। मगर अल्लाह वालों ने, बुजुर्गाए दीन ने एक और आकिल अकल को बयान किया, वो ये है जिसको खुदा का और रसूल का तारुफ, मजहब इस्लाम में तफक्कुह, इस्लाम के बारे में अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ जिस दिन मिल जाए वो उस दिन आकिल होगा। इस अकल को कौन पहुंचे? ये भी एक अकल है, ये भी एक, ये बड़ी बातें हैं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास के बारे में ये बात मशहूर हो गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का इल्म इन्हें अता किया। जब कोई बात आपसे, मैं बात ये छोड़कर आया था कि कुरान करीम में हर शय है। कुरान करीम ने कहा वनज़लना अलैकल किताब तिबियानन लिकुल्ली शय, हमने कुरान को इसलिए नाजिल किया कि इसमें हर चीज़ मौजूद है। तो सहाबाए किराम पूछते हैं, ताबईन पूछते हैं कि कुरान करीम ने ये जो कहा है कि हर चीज़ है, तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है और कहाँ तक इस बात में शक कर सकते हैं? कुरान तो पहले मुंह बंद कर दिया कि शक नहीं करना,
तो फिर इस आयत को समझना कैसे है? तो आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, इस कुरान ने पाक के बारे में जो इल्म का जर्रा छोटा सा अल्लाह ने मुझे दिया, अल्लाह ने हुजूर पाक के दुआ पर मुझे इस कुरान को समझने का, इस कुरान के तालीम को हासिल करने का, इस कुरान से वारफ्तगी का जो छोटा सा फैज मुझे अल्लाह ने दिया, उस छोटे से फैज का ये कमाल है कि मेरे ऊंट की रस्सी अगर गुम हो जाए, मेरे ऊंट की रस्सी अगर गुम हो जाए तो मैं इस कुरान को पढ़कर तलाश कर लूंगा। ये तो दीन नहीं है, दीन से भी खारिज है। ऊंट की रस्सी गुम हो जाए तो उसका ताल्लुक कुरान से क्या है? जिसकी आंख खुलती है, जिसकी आंख, तो कुरान का ये भी बातिनी असरार है, ये भी बातिनी असरार है। हम तो कुरान को पढ़ना ही नहीं जानते। वो लोग भी गुजरे थे जो न सिर्फ पढ़ते थे, पढ़कर ऐसे भी मसाइल हल कर लेते थे। इसकी हद व इंतहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वास फरमा रहे थे, एक यहूदी हाजिर हो गया, आपने दौरान वाज में बयान में ये फरमाया कि हमारे पास जो किताब है उसमें हर चीज़ का बयान है, जो सवाल करना चाहते हो कर लो। यहूदी आकर खड़ा हो गया, उसकी दाढ़ी छोटी थी, कहीं कहीं बाल थे, तो यहूदी आकर सवाल करने लगा कि ऐ अली, तुम्हारी दाढ़ी घनी है, बड़ी घनी दाढ़ी थी आपकी, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। यहूदी पूछने लगा कि आपकी जो दाढ़ी घनी है और जो मेरी दाढ़ी छोटी है, इन दो दाढ़ियों का तज़किरा कुरान में बैक वक्त बताओ। दोनों का तज़किरा कुरान से साबित करो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान करीम की आयत तिलावत फरमाते हैं, वल बलदु तय्यिबु यख्रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुथ ला यख्रुजु इल्ला नकीदा। आप फरमाते हैं, जिसकी ज़मीन अच्छी हो वहाँ काश्त अच्छी होती है, जिसकी ज़मीन बंजर हो वहाँ काश्त कम होती है। यहाँ ज़मीन से मतलब क्या आपने लिया? वो कल्ब जो बंजर है, ईमान को कबूल करने की सलाहियत नहीं है, वो ज़मीन बंजर है। जिसके कल्ब में मंशा हक को कबूल करने की ताकत नहीं है, वो दिल बंजर है, और उस बंजर ज़मीन से घास फूस ही निकलता है। और जिसके ज़मीन में, जिसके दिल में ईमान और मंशा हक को कबूल करने का मादा है, वो सलाहियत है, तो वो दिल सरसब्ज़ शादाब है, वहाँ पर कसीर गल्ला निकलेगा। तो कुरान करीम ने इन सारी बातों को वाज़ह कर दिया और सबसे पहले ये ऐलान कर दिया, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह। ज़ालिकल किताब वो बहस बहुत सारी है, हमें जो उनवान है उस पर गुफ्तगू ये करना है। इस किताब में कोई शक नहीं, शक को निकाल दो, इस बात को निकालने का शक नहीं है, शक को शक से पाक कर दो। तो फिर आगे फरमाया, आगे इरशाद फरमाया, हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत किसको देता है? मुत्तकियों को। तो इस किताब के आने का, नाजिल होने का सबसे बड़ा मकसद हिदायत है। ये दो लफ्ज़ों में उसको भी बयान कर दिया। ये किताब नाजिल इसलिए हुआ कि लोगों को हिदायत दे, लोगों को हिदायत दे। तो हर एक को हिदायत देगा, तो शर्त लगा दी कि ये किताब, ये कुरान सिर्फ उसको हिदायत देगा जो मुत्तकी है, मुत्तकियों को हिदायत देगा। अब फिर सवाल यहाँ ये पैदा होगा, जब मुत्तकी को हिदायत देगा तो मुत्तकी बनाएगा कौन? एक क्वालिफिकेशन है कि कुरान से फ़ायदा उठाने के लिए, हिदायत पाने के लिए इस बात के क्वालिफाइड होना है कि मुत्तकी बन जाए। मुत्तकी बन के आएंगे तो कुरान करीम हिदायत देगा, नहीं तो कुरान करीम हिदायत नहीं है। अब यही किताब फिर एक गुफ्तगू कर रहा है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। ये किताब बहुत सारों को गुमराह कर दिया, बहुत सारों को हिदायत भी दिया। एक ही चीज़ है, इसके दो धारी है, ये हिदायत भी दिया है और गुमराही भी कर दिया है। अब हिदायत
और गुमराही, ये दो कैसे जमा हो सकते हैं? अब दुनिया का एक उसूल इससे बता दिया कि हर शय उसके दो रुख है, हर शय के दो रुख है। ये पंखा है, आप इसमें बैठिए, आराम कीजिए, सब करते हैं। इसमें उंगली डालेंगे तो आप उंगली डालेंगे तो वही पंखा हमारी नींद हराम कर देगा जिससे हम नींद हासिल करते थे। गलती क्या हुई? जो किताब है, जो शय है, जो चीज है, उसके इस्तेमाल का जो तरीका है, उस चीज को बनाने का जो तरीका है, उसको उस मंशा से लेंगे तो उससे फायदा है, वरना उससे फायदा नहीं है। तो कुरान करीम को किस मंशा से ढूंढना है? हाल ही में एक सवाल हो गया, एक औरत ने इमामत करना शुरू कर दिया और उसने कहा कि कुरान में है तो बता दो, औरत इमामत नहीं करना, कुरान में है तो बता दो। इसने सवाल कर दिया, अगर कुरान में बता देंगे तो मैं छोड़ दूंगी। अब ये एक फिजा बन गई है कि भाई कुछ भी काम है कुरान में है तो बता दो। अब कुरान में क्या है, कुरान में क्या नहीं है? कुरान का एक मजमून तो वो है कि हर एक शय है, कुरान ने ये दावा किया, मगर ये दावा कुरान ने नहीं किया कि कुरान में हर शय होने का जो दावा है उसके साथ ये दावा नहीं किया कि इस हर शय के होने को हर शख्स उठा नहीं सकता, हर शख्स के अंदर ये काबिल नहीं कि हर शय को कुरान में तलाश कर सके, मगर कोई होगा जो हर शय को उसमें ढूंढेगा। हर शय कुरान में है मगर हर शख्स हर शय को कुरान में तलाश नहीं कर सकता, मगर हर दौर में कोई ना कोई ऐसा रहेगा कि हर शय को, हर बात को, हर अकीदे को, हर मसले को कुरान से तलाश कर सकता है। हम तुम नहीं है। अब उस औरत से सबसे अब तलाश करने बैठे, लोग खामोश हो गए, उलमा भी बहुत सारे खामोश हो गए कि बात जवाब क्या दिया जाए। अब ये तो मुख्तलिफ मसला हो गया। इसमें तो इख्तिलाफ है कि औरत नमाज नहीं पढ़ाना, इमामत नहीं कर सकती। ठीक है, जब कभी भी इख्तिलाफ मसला आ गया तो उसके करीब करीब एक इत्तेफाकी मसला रहेगा जिस पर झगड़ा नहीं रहेगा, वो मसला हल कर देगा। औरत की इमामत के बारे में कुरान में तलाश करना है, ठीक है, कुरान करीम ने औरत की इमामत का तज़किरा दूर की बात, मर्द की इमामत का तज़किरा कुरान में कहाँ है? औरत की बात दूर की है, मर्द के इमाम, मर्द जो इमामत करता है उसका तज़किरा कुरान में कहा है। ये ज़ाहिरी गुफ्त, अब यहाँ से ज़ाहिरी गुफ्तगू कर रहा हूँ जो आम तौर से कुरान का उसलूब है और जवाबित है। अब वो जो बातिनी था जहाँ गुंजाइश इंतहाई थी, वो गुफ्तगू हो गई कि हर चीज़ तलाश करने का। अब आम जहन जो एक हद तक फ़ायदा होता है, अब वो गुफ्तगू हम करके क्या करेंगे कि हर चीज़ को तलाश करने की सलाहियत हम में नहीं है। जो चीज़ कुरान के ज़ाहिरी अल्फाज से, ज़ाहिरी मजमून से ले सकते हैं, हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। उस गुफ्तगू के हवाले से कुरान करीम में ना मर्द की इमामत का तज़किरा है, ना औरत की इमामत का तज़किरा है, दोनों की इमामत का तज़किरा नहीं है। आप क्या जवाब देंगे उसके लिए? उसने तो ये पूछ दिया। तो सबसे बड़ी आफत यह है कि जिस चीज़ को जहाँ तलाश करना है वहाँ तलाश नहीं किए। कुरान में देखना था, हदीस में देखना था, उसको कुरान में तलाश किया। बास चीज़ें, एक बात वाज़ह तौर पर याद रख लें, हमारे जो दलाइल है किसी भी मसले को साबित करने के, वो सिर्फ कुरान नहीं है। जो भी मसला साबित करना है उसमें दलील के लिए सिर्फ हदीस काफ़ी नहीं है, कुरान और हदीस भी काफ़ी नहीं है। अगर किसी को शक हो मैं इसकी मिसालें दूंगा कि वो चीज़ें जो कुरान में नहीं है, कुरान उस मसले को हल नहीं करता, और वो बहुत सारे मसाइल जिसको हदीस रसूल भी हल नहीं करता। तीसरी इजमाए सहाबा है, सुन्नत सहाबा है, और हर चीज़ सुन्नत सहाबा में नहीं मिलती। सहाबा ने किया है तो बता दो। तो सहाबा की जिंदगी में भी हर मसले का हल नहीं है। फिर तीसरा है अल-क़ियास, अल-क़ियास अल-मुस्तंबत मिन अल-किताब वस-सुन्ना। ये एक उसूली बहस है। क़ियास का मतलब कुरान और हदीस को सामने रखकर उसके रोशनी में, उन आयात को सामने रखकर मसला हल किया जाए।
सहाबा की सीरत को रखकर दूसरे मसले को उससे टैली करे किया जाए और उस पर हल किया जाए। अब कुरान करीम ने अब इसके चारों की मिसालें आप हजरत मुलाहजा कीजिए, किसी को सवाल और शक की गुंजाइश ना रहे। कुरान करीम अल्लाह का किताब है, नमाजें पांच है, पांच नमाज है, किसी को शक है? एक शिया राफजी आलिम ने इसको इनकार कर दिया कि नमाजें पांच नहीं है, नमाज तीन भी पढ़ सकते हैं। सारे आलम से फतवे लग गए उसको कि काफिर है। क्यों? नमाजों का पांच होना 1400 साल में किसी ने इनकार नहीं किया, किसी सहाबी ने इस अकीदे के खिलाफ, इसके इस बात के खिलाफ गुफ्तगू नहीं की, किसी ने नहीं कहा। तो पांच नमाजें होना अगर कोई कहे नहीं पढ़ने वाला अलग है, ये बात कहना इनकार कर देना, ये बात अच्छी तरह से याद रखे, एक बात का इनकार है और एक तर्क है। तर्क का मतलब छोड़ देना, नमाज को छोड़ देने वाला काफिर नहीं है मुतलक। और एक वो है भाई नमाज नहीं है, नमाज ये काफिर हो गया, वो नहीं पढ़ के भी काफिर, वो नहीं पढ़ काफिर नहीं हुआ, वो तारीख सलात काफिर नहीं है, मुनकिर सलात काफिर है, नमाज को तर्क करने वाला काफिर नहीं है। हाँ कुफर के करीब है, वो गुनाहगार है, उसके लिए वईद है, जहन्नम है, कब्र में आजाब है, सब बयान करेंगे, कुफर का फतवा नहीं है। तो कुफर का फतवा कब है? जब इनकार है। तो एक राफ़िज़ी आलिम ने कहा कि आयतुल्लाह खुमैनी, उसका नाम हाल का गुजरा हुआ है, उसने ये कह दिया कि नमाजें तीन हैं, गुफ्तगू छिड़ गई। कुरान करीम में कहा है, कुरान करीम में पांच नमाजों का जिक्र नहीं है। अब अगर कोई ये अड़कर बैठ जाए कि मुझे हर बात कुरान से बताना है, तो कुरान करीम ने पांच नमाजों का तज़किरा नहीं किया। और नमाज अफजल इबादत है, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार 100 से ज़ायद आयतें नमाज पढ़ने के बारे में, अकीमुस्सला नमाज पढ़ो, अल्लज़ीना युकीमुनस्सला ईमान वाले वो है जो नमाज पढ़ते हैं, मुत्तकी वो है जो नमाज पढ़ते हैं, यकीन वाले वो है जो नमाज पढ़ते हैं। ये सब अल्लाह तआला ने कहा, ये सब बातें कहा। इतने बार क्यों कहना था भाई? एक मरतबा कहना था नमाज पढ़ो, और इतने मरतबा नमाज पढ़ो पढ़ो कहने के बजाय नमाज पढ़ने का पूरा तरीका बयान करना था, झगड़ा ही नहीं होता था। रफे देन का उसका इसका मसला, झगड़ा ही खत्म हो जाता। फिर आजमाइश किस पर होंगी? हक और बातिल को पहचान कर उसमें हक की तरफ हो जाना, बातिल को छोड़ देना, पहचान कहाँ होती थी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा करते थे, اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, ऐ अल्लाह मुझे हक दिखा, हक को हक दिखा, हक को बातिल ना दिखा। अरिन الحق حقا, हक को हक दिखा, वर्जुक अतिबा, जब हक को हक देख लूँ। एक वो है भाई हक तो मालूम है, अमल की तौफीक, इत्तेबा की तौफीक नहीं है। अब ये समझ के बैठ गए कि मैं हक तो मालूम है कि ये हक है, फिर दुआ फरमाया वर्जुकना इत्तेबा, उसके इत्तेबा करने की भी तौफीक अता फरमा। वो अरिन الباطل باطلاً, ऐ अल्लाह मुझे बातिल क्या है दिखा, बातिल को बातिल दिखा, सही को सही दिखा और गलत को गलत दिखा। अब जब सही को सही देख लूँ तो सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, गलत को गलत देख लूँ तो उससे बचने की तौफीक अता फरमा। दोनों बातें जिक्र फरमाया। अब इस चीज़ को कुरान में तलाश किया। ज़कात फर्ज है, उसके मसाइल, साल गुजरने पर ज़कात, ये भी नहीं है कुरान में। हमारा मजहब अधूरा नहीं है, कुरान करीम ने इसके बारे में गुफ्तगू किया, कैसा किया वो फिर बहस है। वातीउल्लाह और रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की। अब एक आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम, तुम में से जो बड़े दर्जे के लोग हैं उनकी भी इताअत करो, अल्लाह की भी इताअत, रसूल की भी इताअत, और उसकी इताअत जो इल्म में अमल के मकाम पर है, इल्म में बुलंदी मकाम पर है, इज्तिहाद के मकाम पर है, उन पर आओ। ये भी बयान कर दिया, सिर्फ अल्लाह ताला ने, कुरान ने खुद कभी नहीं कहा कि सिर्फ कुरान से तलाश करो। अगर कहता तो कुरान करीम में वादी और रसूल, इताते रसूल पर जितनी आयतें हैं 150 से ज्यादा आयतें हैं, इन सारे आयतों को निकाल दे। तो इताते रसूल की जरूरत क्या है जब कुरान करीम है? तो अल्लाह ताला सब बयान कर देना था, सब अल्लाह ताला बयान कर देना था। रसूल की इताअत की तरफ
पर्दा नहीं था। अल्लाह कुरान करीम खुद ये कहता है कि लोगों, ये किताब मेरी है, ये किताब खालिक कायनात की है। ये बात बिल्कुल बरहक है कि इस किताब में हर शय है, मगर इस किताब को उठाने के लिए रसूल के दामन की जरूरत है। कुरान खुद बेनियाज नहीं किया कि रसूल पर, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अब फिर ये बात है कि हम सिर्फ रसूल पर हदीस पर लेंगे, तो कुरान ने कहा व उलिल अम्र मिनकुम, सिर्फ कुरान में तलाश करने की तरफ ना जाओ, सिर्फ हदीस में तलाश करने का अकीदा ना बनाओ। उसके साथ कुरान करीम ने कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, जो तुम में से मसला निकालने के इस काबिलियत पर पहुंच गए उसकी भी इताअत करो। अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर कौन है? फिर तीसरा दर्जा क्यों बयान किया? ये सिर्फ अब कुरान करीम में है और नहीं है, नहीं है कि भी गुंजाइश बात नहीं कर सकेंगे, है कि भी बात नहीं कर सकेंगे। नमाज के आप सवाल करेंगे, पांच वक्त की नमाज का तज़किरा क्यों नहीं है? है, बिल्कुल है। क्यों? कैसा है? वादी और रसूल रास्ता दिखा दिया। अब जब कोई ये तलाश करने आए कि कुरान करीम ने पांच वक्त नमाजों का तज़किरा, नमाज का पूरा तरीका अगर तलाश करने के लिए आए, तो उस आदमी से कुरान क्या गुफ्तगू करेगा? वह अतीउर रसूल, उसको यहाँ ना देखो, उसको रिसालत मआब के बारगाह में देखो, उसको रसूल के पास देखो। जब वहाँ जाएंगे तो फिर सही बुखारी में, मुस्लिम में हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिसालत की बारगाह से आवाज़ आती है, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, अरे नमाज को मुझे देख कर पढ़ो। कुरान को, कुरान में हुक्म ले लो और उस हुक्म की तकमील के लिए मुझे देखो। रोजे का हुक्म कुरान से लो कि रोजा फर्ज है, ज़कात का हुक्म कुरान से लो, हज का हुक्म कुरान से लो, हर शय का हुक्म कुरान से लो, और उस शय को लिबास पहनाने के लिए, उस शय को करने के लिए, उसको तमाम तक पहुंचाने के लिए मेरे पास आओ। तो बहुत सारी आयतें वो है, अब बैठ गए कि कुरान से तलाश करो, अब सामने वाले भी खामोश, उससे ये सवाल करे कि हर चीज़ को पहले, अब ये मसला छोड़ दे, जो मसला चल रहा है उसको छोड़कर, सुबह से शाम तक के जो मसाइल है उसी को कुरान में तलाश करने का, निकालने का बात करें। अब दूसरा मरतबा आ गया, दूसरी दलील वो हदीस है। दूसरी दलील क्या है? वो हदीस शरीफ है। अब यहां बैठे कि जो चीज़ बताना हो हदीस से बताएं, जो चीज़ बताना हो वो हदीस शरीफ से बताएं। ये हकीकत है, किसी ने आज तक नहीं कहा कि हर चीज़ सिर्फ हदीस में है, उससे हटकर अमल ना करो हदीस ने। अब एक मिसाल मैं आपको दूंगा, बहुत सारे मसाइल वो है जो इससे हल नहीं होंगे। कुरान करीम हदीस शरीफ में एक मसला है, अगर किसी के खाने में, किसी के पानी में मक्खी गिर जाए, किसी के पानी में मक्खी गिर जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बताया कि वो मक्खी को एक मरतबा फिर उसमें डुबो दो, पूरा ऊपर तैर रही है उसको निकाल कर, पूरा उसको डुबो कर निकाल दो। क्यों? उसकी एक पर में बीमारी है, एक पर में शिफा है, और बीमारी जो है उसका त्रियाक शिफा है, उसका बदल हो जाएगा। उसका अगर शिफा वाला ही पर मिला है तो बीमारी का पर डूब जाए तो कोई बात नहीं होगी। ये मसला हदीस से आ गया। अब अगर चूंटी गिर जाए तो क्या हमारे खानों में सिर्फ मक्खी ही गिरती है? मच्छर गिर जाए तो, कोई और जानवर गिर जाए तो क्या करेंगे? अब हदीस तलाश करते बैठे, पूरे हदीस के जखीरे में कई जिक्र नहीं है, सिर्फ मक्खी का जिक्र आया है। इस मकदार के जानवर का सिर्फ मक्खी का जिक्र आया है। अब सारी जिंदगी सर पटकते बैठे, नहीं मिलेगा, आखिर में ये कहना पड़ेगा कि हदीस अधूरी है। हदीस बिल्कुल अधूरी नहीं है, हदीस में ही सरकार ने बदलाया है। ये हदीस अधूरी भी नहीं है, इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चींटी के गिरने से क्या करना है उसका भी अमल बता दिया, उसका भी अमल बता दिया। वो कैसे? वो हम और आप सोच नहीं सकते, उसके लिए उली अम्र होना पड़ता है। वो जो कुरान और हदीस के और उसके सामने जो पर्दे हैं, जिसकी आंखों से वो पर्दे उठ गए, वो बता सकता है, वो बता सकता है। फिर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ज़माने में मसला पेश आया,
आपने बताया चूंटी गिर गई तो कहा कि उसको भी निकाल दो और वो दूध या पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, नजिस नहीं हो सकता। लोगों ने हदीस पूछा कि हदीस बताओ इस पर, हदीस में तो सिर्फ जो है मक्खी का जिक्र आके है, चूंटी का और मच्छर का तो जिक्र नहीं है, क्या हुक्म है? तो सर उन्होंने कहा कि इसमें तो जिक्र ये है, इसमें तो कुरान हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्खी को निकालने का जो तरीक़ा इसमें बयान किया है और मक्खी की जो वज़ा है उसकी तहकीक पेश की। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुराद को मंशा को यह बयान किया कि मक्खी उसकी ज़ात उसकी उसके जिस्मानी कैफियत यह है कि उसके अंदर बहता खून नहीं है, उसके अंदर बहता खून नहीं है। तो जो इस मिकदार में जानवर हो, जो कोई इस मिकदार में हो और उसके अंदर बहता खून ना हो तो वो सब का यही हुक्म होगा, वो सब का यही हुक्म होगा। तो मजहब इस्लाम को अधूरा भी नहीं रखा। अब ये बात कहां से, इसको कियास कहते हैं, इसको कियास कहते हैं कि एक ऐसा अमल, एक ऐसी चीज चूंटी के गिरने का पूरा ए टू जेड मसला हदीस में नहीं मिलेगा, मगर हदीस उसके तरफ रहनुमाई करेगी, हदीस को सामने रखकर उसको उठा सकते हैं। इसी तरह सहाबा इकराम की सुन्नत है, इजमाए सहाबा है। अब तरावी हम पढ़ते हैं, इसका तज़किरा ना कुरान करीम में मुकम्मल है ना हदीस शरीफ में मुकम्मल है। एक पकड़ेंगे तो एक छूट जाएगा। अब उसकी वजाहत, 20 रकात तरावी पढ़ना है, ठीक है, 8 ही रकात थोड़ी देर के लिए मान लो पढ़ना है, उसमें जमात से पढ़ना है, पूरा रमज़ान पढ़ना है, इसके इतने सारे मसाइल आ जाएंगे। तो हदीस शरीफ से इसमें से हर चीज़ को साबित करना पड़ेगा, सिर्फ तरावी को नहीं। तरावी है तो उसमें से 20 रकात या 8 रकात दो को भी साबित करना और उसको पूरे रमज़ान में पढ़ना भी साबित करना और बाजमात पढ़ना भी साबित करना। पूरे रमज़ान में 30 दिन का पढ़ना हदीस में नहीं है। 20 और 8 में तो इख्तिलाफ है, इसमें तो इख्तिलाफ की गुंजाइश थी, इसमें तो नहीं। यहां आकर हर एक सुन्नत सहाबा को लेता है, 20 में और 8 में आके हम में मसाइल हो गए कि नहीं ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, मगर एक चीज इसमें इत्तेफाकी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी हयात तय्यबा में रमजान के पूरे 30 दिन जमात के साथ सहाबा इकराम को तरावी नहीं पढ़ाई। मगर इस दुनिया में जहां कहीं तरावी पढ़ता है आदमी, किसी का यह अकीदा नहीं है कि मैं सिर्फ 21 को पढ़ूंगा या 23 को पढ़ूंगा, 25 को पढ़ूंगा, पूरे रमजान को नहीं पढ़ूंगा। हर एक इसको इख्तियार करता है कि भाई पूरे रमजान 30 दिन ही पढ़ना है। इसको कहां से उठाया, ना इसका तरीका कुरान में है, ना इसका तरीका हदीस में है, इसका तरीका सिर्फ सहाबा से है। तो ये दलाइल 4 वो है, इसको इख्तियार जब तक नहीं करेंगे, किसी एक को भी छोड़ देंगे तो हर मसले का हल हरगिज नहीं मिल सकता। इस पे अब ये समझे कि भाई कुरान छूट रहा है, हदीस ना कुरान छूटा ना हदीस छूटा, कुरान भी नहीं छूटा हदीस भी नहीं छूटा, दो भी बराबर है, दोनों भी बराबर है, दो भी अपनी जगह है। कुरान खुद कह रहा है हदीस से लो, सरकार द्वारा खुद कह रहे हैं कि मेरे उम्मत के आइम्मा और बड़ों से औलिया से लो। तो बात यह अर्ज करते आ रहा था, कुरान करीम को लेने के बाद जो गुमराह हो गए और जो हिदायत याफ्ता हो गए, एक ही कुरान है, इन्नल्लाह यरफाउ बिहादल किताब अक़वामा व यदाउ बिही आखरीन, यही एक किताब है जो बाज लोगों को बुलंदी मकाम पर पहुंचा दिया और बाज को नीचे गिरा दिया, बास को इज्जत दे दिया और जिसको जलील करना था जलील कर दिया, जिसको जलील करना था उसको जलील कर दिया। दोनों भी रुख कुरान करीम ने अपने वाज़ह तौर पर बयान कर दिए। तो कुरान करीम से एक ज़ाब्ते का ज़ाब्ते की किताब है। कुरान करीम में अल्लाह ताला अगर हर हर मसले के लिए अगर बयान कर देता कि नमाज रुको ऐसा करना है, सजदा ऐसा करना है, अगर हर चीज बयान करता तो हमारी तरावी 10 बजे खत्म नहीं होती, फजर हो जाती हर दिन एक कुरान खत्म करने के लिए। हर एक अगर आयत आ जाए तो ये किसी एक
होशियार आदमी जो होता है उसके कलाम के लिए ये कैफियत होती है कि वो छोटे से जुमले में, औलिया अल्लाह ने अपने छोटे छोटे जुमले में दीन के बड़े मसाइल हल कर लिए। जुमला छोटा हो, बात छोटी हो, मगर बेशुमार मसाइल हल होते हो। छोटी सी बात में बेशुमार मसाइल हल होते हो। कुरान करीम का ये तर्ज है, फ़ेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिक्मा। हकीम का फेल जो होशियार है, जिसका जहन सलामत है और इंतहाई कमाल जहन पर है, तो उसका कोई भी काम एक हरकत भी पागलपने की नहीं होती, हिकमत से खाली नहीं होती। इतना तो बताया। तो कुरान करीम एक जाब्ते वाला जाब्ते वाली किताब है, एक कानून की किताब है। ये कभी नहीं कहता कि हर हर चीज को इख्तियार करो। एक लफ्ज में कह दिया कि माँ बाप की इताअत करो। وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ। ये सिर्फ तीन जुमलों में कुरान करीम ने उफ़िन में माँ बाप की खिदमत के सारे अहकाम बयान कर दिया। लेने की हमें ताकत है? अब ये पूछे कि भाई बाप बीमार है, अब बेटा कह रहा है कि मैं बीमार उसकी मेरी खिदमत नहीं करूँगा, जब तक कि कुरान से साबित ना कर दो। कुरान में कहाँ लिखा है कि बाप बीमार हो जाए तो उसकी खिदमत करो, माँ बीमार हो जाए तो उसकी खिदमत करो? कुरान करीम ने कहीं बयान नहीं किया है। मैं कुरान पर अमल करने वाला हूँ, मैं हदीस पर अमल करने वाला हूँ। इसको तलाश करो कुरान से, इसको तलाश करो हदीस से। पागलपनी की हद है। कुरान करीम ये नहीं कहा कि माँ बाप को तकलीफ देने का सबसे अदना जो लफ्ज हो सकता है उसको बयान कर दिया कि अरे जब माँ बाप को तकलीफ अगर एक छोटे से लफ्ज से हो सकती है तो उस लफ्ज को भी जुबान पर लाना गुनाह है। उस लफ्ज को जुबान पर लाना मनचाहे हक के खिलाफ है। ये तो उससे छोटा है जो खिदमत करने की बात है। अदना से चीज को बयान करके उससे ऊपर की जितनी चीजें हैं सारे चीजों की नफी कर दी। उफ ना कहो उनके जुबान पर। उफ नाराजगी का इजहार। उफ का लफ्ज क्या है? ये लफ्ज अरबी का लफ्ज है। अरब कभी किसी से नाराज हो जाए तो उफ उफ कहते थे। उफ का मतलब यह है कि ये आप जो कह रहे हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो ये लफ्ज कहते थे उफ। जब कोई उसके बात को रद्द करने के लिए कुछ बात न कर सके, मार न कर न सके, मारने की ताकत ना हो, उसके बात पर जवाब देने की ताकत ना हो, तो नाराजगी का इजहार करने के लिए उफ़िन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। उफ़िन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये आखिरी दर्जा है, इसके बाद और कोई दर्जा नहीं है। कुरान करीम ने इसको आखिरी चीज बयान कर दिया। तो अब ये दर्ज दे दिया कि जो कोई माँ बाप को नाराज करने के लिए उनकी उनको उनके मिजाज में तलखी लाने के लिए जरी सी भी बात हो, वो बात कितनी ही छोटी हो, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। कुरान करीम ने ये बयान किया। ये हिकमत वाला किताब है, हिकमत वाली किताब है। उसकी अलामत ये होती है। अब हदीस शरीफ में आइए। सरकार दौरान ने एक एक बात को फिर नहीं बयान किया और फरमाया उकूकुल वालिदैन। फरमाया माँ बाप के बारे में सबसे बदतरीन गुनाह क्या है? पूछा गया तो सरकार ने फरमाया अल इशराक बिल्ला, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। तो फिर उसके बाद क्या है? उकूकुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी करना। अब इसमें सिर्फ नाफरमानी का लफ्ज लाया और खत्म कर दिया। इसमें भी सारी चीजों को लाकर रख दिया। कैसे? लफ्ज पर गौर किया जाता है। ये लफ्ज एक है नाफरमानी के लफ्ज में, अरबी में बहुत सारे लफ्ज हैं। एक है इसयान आसा से, एक सय्यात है, एक जंब है, ये सारे के माना गुनाह है। एक है उकूक है नाफरमानी। नाफरमानी के माने में चार अल्फाज में आपको बयान किया हूं, उसात, इसयान, सय्यात, जंब और फिर उकूक। इन तीन चीजों को हटाकर सरकार द्वारा ने उकूकुल वालिदैन बयान किया कि माँ बाप की नाफरमानी। मतलब क्या हुआ? उकूक का अक्का या उकूक, इसका मतलब ये है कि किसी छोटे से कागज को ले, उसके टुकड़े करे और टुकड़े करे, इतने टुकड़े पुर्जे बनाए कि आखिर में कोई टुकड़ा ऐसा ना बने कि फिर उसका टुकड़ा बना जा सके। छोटे छोटे टुकड़े बना दिया जाए, अब फिर सामने वाले को पेश कर दो कि इसको जोड़ कर दिखाओ। इतने टुकड़े कर दिए छोटे छोटे कि उसको फिर जोड़ना मुमकिन ना हो, इसको अक्का उकूक कहते हैं अरबी में।
सरकार दो आलम ने माँ बाप के नाफरमानी के सिलसिले में ये बताया कि अपने माँ बाप को माँ बाप की नाफरमानी से बचो, और नाफरमानी की ताबीर उसका मुराद कैसा बताया कि एक एक छोटे छोटे पुर्जे अगर हो जाए तो जिस तरह वो कागज के पुर्जे कागज के टुकड़े एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते, माँ बाप की नाफरमानी माँ बाप को तकलीफ देना उनको ईजा देना भी ऐसे ही है कि एक बार तकलीफ दे तो फिर उसको जोड़ नहीं सकते, उसका बदल नहीं है। इतने सारे मजमून को तीन लफ्जों में बयान किया, यह हदीस का कमाल है। फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, सही मुस्लिम में हदीस पाक है, सरकार द्वार मुशात फरमाते हैं फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, दीगर अंबिया के मुकाबिल में अल्लाह ताला ने मुझे छह चीजों पर फजीलत दी, मुझे छह चीजें ऐसी दी कि दूसरे अंबिया में से किसी को नहीं दिया। आपने फरमाया आपने इशारा फरमाया उहिल्लत लियल गनाइम, पहले अंबिया उनके पास माल गनीमत का फ़ायदा उठाना हलाल नहीं था, मेरी उम्मत में जंग के बाद जो माल गनीमत आता है अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया। वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, और अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी उम्मत के लिए सारी ज़मीन को मस्जिद बना दिया। पिछली उम्मतों के लिए वो जहाँ चाहे नमाज पढ़ नहीं सकते थे, जहाँ चाहे मस्जिद बन नहीं सकते थे, बैतुल मक़दस में जाकर नमाज पढ़ना था। इसे सारे मसाइल में आने के बाद अब जो बात याद करना था वो अतीत जवाम अल कलीम, मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे कलीमात मेरे जुबान पर जारी कर दिए कि बात छोटी है उसका माने में हजारों मसाइल तय होते हैं, हजारों मसाइल। अब एक हदीस को पकड़ के बैठ गए, उस हदीस को हम उसी पर रख दिए, ये हदीस के साथ खयानत है। हमने हदीस के मरतबे को गिरा दिया, हदीस के मरतबे को खुद हमने गिरा दिया है। हदीस का मर्तबा क्या है? इमाम आलम अबू हनीफा रहमतुल्लाह उनका जब वक्त आखिर आया, उनका जब वक्त आखिर आया तो अपने बेटे को सामने रखा और उसको नसीहत फरमाया। वसाया इमाम आलम किताब मौजूद है, आपकी वसीयतें बेटे को नसीहत करते हैं। अब ये गौर तलब बात है, बाज़ लोगों ने बड़ी जुर्रतमंदी में कह दिया कि इमाम आजम अबू हनीफा को हदीसें याद नहीं थी, सिर्फ 17 या 18, किसी ने कहा कि 13 याद थी। अब सुनिए कितनी याद थी और उनको कैसे समेट कर रखा। अपने बेटे को नसीहत की और फरमाया कि बेटे मैंने 500,000 हदीसों को याद किया, 500,000 हदीसों को, और 500,000 हदीसों को मैंने 5 हदीसों में जमा किया। हेल्प करेंगे 500,000 हदीसों में जो मजमून जो कुछ सरकार द्वारा ने बयान किया, उन 500,000 में जो कुछ मंशा है रसूल है, मैं उन 500,000 हदीसों को 5 हदीसों में जमा कर दिया कि 5 हदीसें ऐसी तुम सीख लो मुझसे कि 500,000 हदीसें तुम्हारे ताईद में आ जाएगी। अब आप भी अब सुन लेंगे तो आपको 500,000 हदीस का मफहूम सामने आ जाएगा। सबसे पहले फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, एक हदीस ऐसी है इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे नियतों का दारोमदार, नियतों का सारा इन्हिसार वो आमाल का दारोमदार नियत पर है। एक हदीस तो इस 100,000 हदीसें ऐसी है, 100,000 हदीसें ऐसी है जो इस एक हदीस की तारीफ कर रही है, एक बात। दूसरी हदीस मिन हुस्न इस्लामिल मर्ई तरकुहु माला यानी, इस्लाम किसी भी बंदे के अच्छे मुसलमान होने के लिए ये अलामत है। अमीर मुसलमान नबी मुसलमान अच्छे मुसलमान होने के लिए अलामत ये है मिन हुस्न इस्लामिल मर्ई तरकुहु माला यानी, बेकार फजूल चीज़ों को छोड़ दे, लायानी चीज़ों को, फजूल चीज़ों को जिससे ना दुनिया का गरज है ना दीन का गरज है, तिजारत नहीं है इसमें, उसमें फ़ायदा है, उसमें माश अल्लाह ने रखा। एक ऐसा काम है, अब बहुत सारे नौजवान बस फिरते रहते हैं, गाड़ी है फ़ोन है बस फिरते रहते हैं, ना दुनिया का फ़ायदा ना दीन का फ़ायदा है, माँ बाप परेशान, ख़ानदान परेशान, अल्लाह रसूल भी नाराज, ये क्या है? 100,000 हदीसों का एक निचोड़ है, 100,000 हदीसें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अब एक बात और, 5 लाख हदीसे, आप सवाल पैदा होगा कि 5 लाख हदीसे ज़ईफ थी या सही थी। 5 लाख हदीसों में से किसी हदीस के ज़ईफ होने की गुंजाइश ही नहीं है। क्यों? इमाम आज़म खुद ताबी ही है। सुने तो सहाबी से सुने होंगे या ताबी से सुने होंगे या तबे ताबी से सुने होंगे, और सहाबी महफूज है, ताबी महफूज है, तबे ताबी महफूज है, तीसरा कोई पैदा नहीं हुआ। क्यों? गुंजाइश ही नहीं थी। जो भी उस दौर में इस्लाम लाया, या तो वो मुसलमान था, या तो वो सहाबी होगा, या तो वो ताबी होगा, या तो तबे ताबी होगा। और हदीस के ज़ईफ में ना सहाबी से ज़ईफ हो सकती है, ना ताबी से हदीस ज़ईफ हो सकती है, ना तबे ताबी से ज़ईफ हो सकती है। 5 लाख हदीसें पूरी की पूरी सही है, और हर 1 लाख हदीस का मजमून एक हदीस में जमा कर दिया। दूसरी हदीस, मिन हुस्न इस्लाम अल-मरई, फजूल चीजों को तर्क कर दो, ये तुम्हारे अच्छे मुसलमान होने की अलामत है। 1 लाख हदीसों का मफहूम है। अब सवाल करके ये कहाँ है, जो चाहे हम फिरे, जो चाहे करे। तीसरी हदीस फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीही मा युहिब्बा लिनफ्सिही। तुम में से कोई उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि अपने लिए वो पसंद करो जो अपने भाई के लिए पसंद करते हो। ये एक हदीस नहीं है, ये 1 लाख हदीस है। ये एक हदीस नहीं, 1 लाख हदीसों में जो हुक्म आया है उस सारे निचोड़ की एक हदीस है। तुम अपने लिए जो पसंद करते हो अपने भाई के लिए पसंद करो, इसमें हर 1 लाख हदीस है। तो इस 1 हदीस पर अमल नहीं करने वाला 1 लाख हदीसों को छोड़ दिया है। 1 लाख हदीसें इसके खिलाफ में आ रही है। फिर इरशाद फरमाया, फिर आप सब इरशाद फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। तुम्हें से मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से मुसलमान महफूज रहे। तुम्हें से मुसलमान ही वो है जिसके हाथ से और मुंह से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। जब ये चीज़ नहीं होगी तो फिर क्या होगा मसला? उसके 1 लाख हदीसों के खिलाफ है। मैंने क्या किया? आज सबसे बड़ी आफत हमारे अंदर सिर्फ जुबान की है। जरा हाथ उसनानी लहल तियानू वला यलतामु मा जराहल लिसानू। तलवार की काट तो बड़ी आसान है, तलवार से जख्म लग गया वो सूख सकता है, जुबान से एक मरतबा लफ्ज़ निकल जाए फिर नस्लें चलती है, वो लफ्ज़ ख़त्म नहीं हो सकता, वापस नहीं ले सकेंगे। किसी ने आकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने सवाल किया, मैंने ख्वाब देखा कि एक छोटे से बिल से एक हाथी निकल, बड़ी भैंस निकल कर आ रही है और फिर उसी बिल में दाखिल होना चाहती है, ताबीर क्या है? छोटे से सुराख से बैल निकला और फिर उसमें दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, निकल तो गया दाखिल नहीं हो सक रहा है। उसने कहा, तुम जुबान से ऐसी बात कहते हो, ऐसी बड़ी बात कह देते हो, बाद में पछताते हो कि और उसको लौटाने की कोशिश करते हो, मगर वो बात लौट नहीं सकती जिस तरह से ये बैल छोटे से सुराख में लौट नहीं सकती। घर की घरेलू झगड़े, इसकी भी वजह क्या है? जुबान। मस्जिदों के झगड़े, जुबान। फिरकावारियत, जुबान। सिर्फ इल्मी हद तक अगर बहस हुई मसला कभी नहीं बिगड़ेगा, जब उससे हटकर जात पर गुफ्तगू करेंगे, हाँ तुम कैसे है मालूम है, इल्म जो गुफ्तगू हो रही है उसको हटा दिया, तुम फला हैं, तुम्हारे पास वो ऐप है उसको बता दिए, उसका दिल टूट गया। क्या वो ऐप उसके अंदर है? तुम्हारे पास भी कोई दूसरा ऐप होगा। दुनिया में कोई ऐसा कौन ऐसा इंसान है जिसके अंदर 100% अच्छाइयां हो बुराई ना हो? 100% 100 के 100 उसके अंदर अच्छाइयां हो, एक भी बुरा ना हो, ऐसा कौन शख्स है? सामने वाले की बुराई को हमने तलाश किया, मुझ में बुराई है, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो पीर हो, कुछ भी हो, कोई ऐसी चीज होती है, मगर इंसानियत ये है, खूबियां ज्यादा उसके अंदर है तो उसके लिए एहतराम करा जाए, उसका एहतमाम किया जाए। हमारे पास ये उसूल है। हमारे पास कितने जानवरों से हम फायदा नहीं उठाते,
बकरों से, गायों से, भैंसों से हम फायदा नहीं उठाते, उनके दूध भी इस्तेमाल करते हैं, उनका चमड़ा इस्तेमाल करेंगे। बकरे को क्या आपने घर में बंद करके रखेंगे? जब उसको काट दिए, उसका गोश्त बनाकर फिर घर में आकर खाते हैं, उसको जात से कोई ताल्लुक नहीं, उसके अंदर आए बहुत सारे हैं। मगर दयानतदारी यह है, अकलमंदी यह है कि इंसान के अंदर ऐब को तलाश किए यह बात नहीं है, उसके खूबियों को देखो, उससे फायदा उठाए। ऐसी बेशुमार अहादीस आई है, एक जुबान अगर काबू पे आ गया तो सारी चीजें कंट्रोल हो जाएगी, माफ करने का जज्बा बिल्कुल खत्म हो गया। किसी को कोई गलती दी तो आप उसको उसके पीछे लग गए, अगर माफ करने का जज्बा ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह लोगों को माफ कर दिया, अपने चचा के कातिल को माफ कर दिया। हजरत अमीर हमजा से सरकार दो आलम इतनी मोहब्बत करते थे, वहशी बिन हर्ब बाद में सहाबी रसूल बने, अपने चचा के सीने को चाक कर दिया, चहीते चचा थे, सीने को चाक कर दिया, कलेजे को निकाल दिया, टुकड़े टुकड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो ख़तार होते थे। जंगे उहद में ये वाकया पेश आया, 70 सहाबा जंगे उहद में शहीद हुए, 70 सहाबा जंगे उहद में शहीद हुए। जब कभी एक सहाबी के जनाजे को रखते, नमाज पढ़ते, तो हर जनाजे के साथ अपने चचा के जनाजे को रखते, तो 70 मरतबा सलात जनाजा सरकार द्वार ने पढ़ा। तारीख में ऐसे सहाबी, ऐसे शख्स कोई नहीं है जिनका जनाजा 70 मरतबा पढ़ा गया। 70 सहाबा शहीद हो गए थे, हर एक के मैयत के सामने अमीर हमजा को रखते थे। इतनी तकलीफ हुई, हम क्या करते थे? जब मक्के को आए तो हर एक उनके बारे में, अपने अपने रिश्तेदारों के बारे में नोहा करते थे और कसीदे पढ़ते थे शान में, ये दस्तूर था अरब का। बाद में सरकारी द्वार ने मना कर दिया कि लैसा मिन्ना मन खद्दल जियो मन शत्तल जियो वगरबल खुदूद, हम में से नहीं है वो जो मरने वालों के सामने सीने को पीटे, अपने गालों पर पीटे। बाद में सरकारी द्वार ने इशाद फरमाया वो हम में से नहीं है। उससे पहले का दस्तूर था कि मरने वालों पर नोहा करते थे, गुफ्तगू करते थे। जब आए तो अमीर हमजा के बारे में कोई बोलने वाले नहीं थे, तो फरमाया अम्मा हमजा तो फला बवा किया लहू, मेरे चचा के बारे में कोई रोने वाला ही नहीं, सबके बारे में रो रहे हो, कोई मेरे चचा के बारे में रो। इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी। ये वाकया गुजर गया तो ये वाकये के गुजरने कई साल के बाद सहाबा इकराम के दरमियान ये ऐलान था कि वहशी बिन हर्ब, वो जो कातिल हमजा थे, जहां कहीं मिले उनको कत्ल कर दिया जाए, उनको कत्ल किया जाए। ये खुला आम ये ऑर्डर था सरकार का। वहशी बिन हर्ब जो है, अब आप का हाल ऐसा हुआ, अल्लाह ताला ने आपके दिल में इस्लाम से मोहब्बत डाल दिया, आपको परेशान थे कि मैं अगर इस्लाम कबूल करने जाऊंगा, मेरे कत्ल का तो वारंट आ चुका है, हुक्म नाफिज हो चुका है, मारा जाऊंगा। उसके बावजूद आप अपने चेहरे पर नकाब डाले और एक दिन सर मदीने में आ गए, सरकारे द्वारा मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, सामने आकर बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, कान के सामने आए और आवाज़ बुलंद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नक रसूल कहना पड़े। उनकी आवाज़ सुनना था सहाबा इकराम के हर एक के जुबान से, वहशी वहशी, ये वहशी बिन हर्ब आ गए हैं, सबके तलवारें निकल गए। तो आपने फरमाया अल इस्लाम यनहदिमु मा काना क़बलहु, इस्लाम उससे पहले, इस्लाम को इलाया है तो उससे पहले जो कुछ किया है वो सब दरगुजर है। चचा का कातिल है, हजरत उमर आके गई, या रसूलल्लाह आप इसको पहचानते हैं? हाँ, तुमसे ज्यादा पहचानता हूं। आप जानते हैं उसके बाद ये सुलूक, इतना हुक्म दिया कि ऐ वहशी तुम मेरे सामने अपने चेहरे को लेकर ना बैठा करो, तुम्हारे चेहरे को जब भी देखता हूं तो मेरे चचा याद आते हैं। वो जब भी महफिल होती तो वो पीछे यूं बैठते थे, उनको गवारा नहीं हुआ, सारे लोग सरकार के चेहरे को देखे, मैं पीछे बैठूं। उसके बाद से चले गए, फिर सरकार के वफात तक नहीं आए। उन्होंने ये तय कर लिया उसके बाद कि मैं इस्लाम के सबसे बड़े मुजाहिद को शहीद किया हूं, अब मैं उस वक्त तक चैन से नहीं रहूंगा कि इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को कत्ल करूं। जब सिद्दीक अकबर के जमाने में यमामा, जंग यमामा पेश हुआ,
बनू हनीफा से मुसैलमा कज़्ज़ाब नबुव्वत का दावा किया था, उन्होंने तय कर लिया अब तो मरना है, इसको मारना है बस। आप गए और बेखतर उसके बाग में घुस गए और अपने साथी को कहा कि एक ढाल पर मुझे उठाकर अंदर फेंक दो, मर तो जाऊंगा लेकिन यह दाग नहीं रहेगा तारीख में कि यह शख्स वो था इस्लाम के अजीम मुजाहिद को शहीद किया था। जब भी लोग याद करेंगे कि वहशी बिन हर्ब मुसलमा कज़्ज़ाब आपने कत्ल किया, जब भी लोग याद करेंगे कि वहशी बिन हर्ब नबी के चचा के कातिल थे, हुजूर के चहीते चचा हमजा के कातिल थे, जब भी लोग मेरा तज़किरा इस तरीके से करेंगे तो उसके साथ मेरा तज़किरा ये भी करेंगे ये सिर्फ एक अजीम मुजाहिद का कातिल नहीं था, दुश्मन इस्लाम का, इस्लाम के अजीम दुश्मन का भी कातिल था। तो इतना अफू और दरगुजर, जुबान से पाक रहना, जुबान को रोक लेना, तुम वही हो। अगर एक बात कह देते अरे तुम तो वो जो मैं चचा को कत्ल किए थे, एक जुमला काफी था उनकी जिंदगी के लिए नाराजगी का, बारगाह रिसालत से एक जुमला अगर नाराजगी का आ जाए तो अब क्या कहेंगे, पूरी जिंदगी पूरी तारीख उनकी काली हो जाएगी। मगर इसको नहीं रखा आप सब ने किसी बात को बहुत सारा। अब मैं एक वाक्य अजीब बयान करूँ, हैरत होगा आप हजरात को। हुजूर पाक सासम की बारी थी हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा के घर में, उम्मुल मुमिनीन मैमूना रजी अल्लाह अन्हा के घर में थी बारी। रात में तहारत का तकाजा हुआ, हुजूर बाहर निकल गए, रफे हजरत के लिए गए और वापस आ गए। हुजूर जब गए थे तो इनकी आंख खुल गई, उम्मुल मुमिनीन मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंख खुल गई थी, देखा कि मेरी बारी है, हुजूर यहाँ नहीं है। आयशा के पास गए थे होंगे, उनका ख्याल हुआ, वो गई दरवाज़ा बंद करके आगे सो गई। अब ये सुलूक था शौहर के एतबार से, शौहर का नजरिया जहन में था। सरकारे दो आलम आए और दरवाज़ा दस्तक दिया, दस्तक दिया, कहा मैमूना मैम। तो वो गई कि अब या रसूलल्लाह मैं नहीं खोलूंगी दरवाज़ा, आप किसी दूसरे अजवाज के पास गए हैं। कहा कि नहीं, मैं तो रफी हजरत के लिए था गया था। इन्नी हाकिदुन इन्नी हाकिदुन, ये जुमला कह रहे थे, मैं तो जरूरत के लिए गया था। कहा कि मैं नहीं खोलूंगी, आप आयशा के पास गए थे होंगे, आप किसी अजवाज के पास गए थे होंगे। तो हुजूर ने कहा अब तो बात चल रही नहीं, ऐ मैमूना मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अब तक ये इजहार नहीं किया। अब कहा अय मैमूना अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का रसूल न झूठ बोलता है न खयानत करता है। ये जुमला फरमाया, दरवाज़ा खोल दिया, अब शर्मिंदगी, अब ख्याल आया सामने अल्लाह के रसूल थे, गुफ्तगू करने वाले अल्लाह के रसूल थे, अब ख्याल आया दरवाज़ा खोल, अब रद्द अमल क्या होना था। अगर हुजूर इस वक्त ज़रा नाराज़गी का इजहार करते वही आ जाती, उनके बेअदबी पे तो अल्लाह ताला ने तंबीह करना है, अल्लाह तंबीह करना है। आप फरमाती दरवाज़ा मैं खुली, फदखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिकम मुतबस्सिमन वजहहु, हंसते और मुस्कुराते हुए अंदर आए और इस तरह से बिस्तर पर लेट गए कि जैसा कि कोई वाकया पेश ही नहीं आया, कोई वाकया पेश नहीं आया। ये अंदाज था, एक जुमला कह देते तुम्हें खबर है मैं अल्लाह का रसूल हूँ, हम जैसे कहते हैं मैं इस मकाम का हूँ, मालूम है कि मैं कौन हूँ, मालूम है मेरा मर्तबा क्या है, मेरी इज्जत क्या है, मेरा दौलत मेरी दौलत क्या है। हमने अपने इस फानी इज्जतों को रखा, अपने दौलत के फना होने वाले मर्तबे को सामने पेश किया, कोई लड़ने आ गया, मालूम है मैं कौन हूँ। अरे ये कौन थे, ये कौन थे, इस मकाम पर कौन पहुंचा, ये नहीं कहा कि मैमूना तुम्हें अकल है मैं अल्लाह का रसूल हूं, एक जुमला कह देते खयामत के लिए लानती हो जाती। थोड़ी देर के लिए जुबान बंद कर लिए, सबर कर लिए, बहुत सारे मसाइल तय हो गए। जुबान को पकड़ कर बताया कि मेरी उम्मत का सबसे ज्यादा तबका हजरत माज बिन जबल को आखिरी नसीहत फरमाई, अपने जुबान को पकड़कर कहा कि ऐ माज मेरी उम्मत का सबसे बड़ा तबका जो जहन्नम में जाएगा वो इस जुबान की वजह से जाएगा। सिर्फ इस जुबान की वजह से जाएगा, कोई और चीज नहीं थी।
तो मैं हदीस ये अर्ज कर रहा था, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अब 1,00,000 हदीस, अब एक एक हदीस को ले लें हम पूरी रात बहस करते बैठ जाए, एक एक हदीस पर गुफ्तगू करते, क्यों एक हदीस 1,00,000 हदीसों के बराबर है, उसको 1,00,000 हदीसों पर अप्लाई कर देखें, 1,00,000 हदीसों पर अप्लाई। तो आज हदीस ये बताइए कि ला युमिनु अहदुकुम अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। चौथी बात है, चौथी बात आई थी, चार हदीसें पांच बताए थे, चौथी ये थी, पांचवी क्या थी, अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहुन। ये पांचों हदीसें बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम में, तिर्मिजी में, अबू दाऊद में, मुस्तद इमाम अहमद बिन हम्बल में, नसाई में और बहुत सारी किताबों में। अल हराम बय्यिनुन, हराम वाज़े है, हलाल वो भी वाज़े है, व बैनहुमा मुश्तबिहुन, एक दो के दरमियान एक मुश्तबे चीज़ है, शक वाला उसको छोड़ दो, हराम को छोड़ दो, शक वाली चीज़ को भी छोड़ दो, दोनों चीज़ों को छोड़ दो, हराम खुला है, हराम हलाल खुला है, ये दोनों को बयान कर दिया। पांच हदीसें बयान की, पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर है। दूसरी हदीस मिन हुस्न इस्लामिल मर्ई तर्कुहु मा ला यानीही, किसी के आदमी के अच्छा मुसलमान होने के लिए ये अलामत है कि वो फजूल चीज़ों को छोड़ दे, बेकार चीज़ों को छोड़ दे। फिर फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब ली अखीही मा युहिब्ब ली नफ्सिही, तुम्हें से मुसलमान उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि अपने लिए वो पसंद करो जो अपने भाई के लिए पसंद करते हो। ये है हमारे पास, ये सहाबा इकराम के दरमियान सबसे आला वस्फ था, सबसे बड़ा वस्फ था, कभी अपने आप को तरजीह नहीं देते थे, अपने भाई को तरजीह देते थे। इस्लाम के कामयाब होने का, सुरखरू होने की सबसे बड़ी अलामत ये थी कि अपने भाई को तरजीह देते थे, अपने भाई को सामने रखते थे। वो कौन करेंगे कि कोई हिजरत करके आ जाए और उनके लिए घर दे दिए, एक घर दे दिया, एक बीवी दे दिए, अपना बगीचा दे दिए, अपने माल का आधा हिस्सा कर दिया और उठाकर दे दिए। आज हम तो ये नहीं कर सकेंगे, एक गंजी का कोटरा उसको पलटा दिया तो बस है, वो उतना नहीं कर सकेंगे। अंसार की सरकार दो आलम शासन ने बड़ी कदर की, मुहाजिरीन से ज्यादा सरकार दो आलम अंसार की कदर करते थे, क्यों, इन्होंने मुसलमानों को अपने माल में से दे दिया, अपने से ज्यादा दे दिया, अपने लिए कम रखा, अपने भाइयों के लिए ज्यादा दे दिया। यही वजह थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, हुजूर को मदीने से ज्यादा मक्का पसंद था। आपको मालूम है मदीने में आराम क्यों कर रहे हैं, अंसार के लिए। जब मक्के से वापस निकल के आए हिजरत में, गारे सौर पर पहुंचे, तो गारे सौर मक्के के बाहर ऐसे ऊंचे मकाम पर था कि वहां से पूरे मक्के का नक्शा नजर आता था। हुजूर वहां कर खड़े हो गए और जब पलट कर देखा तो सारा मक्का नजर आ रहा था, बीच में खाने का बाय वो भी नजर आ रहा था, आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्दीकिन व अखरिजनी मुखरज सिद्दीकिन व जअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। हाय अल्लाह, मुझे यहाँ से निकाला है, फिर मुझे बाइज्जत यहाँ दाखिल होने का भी मौका दे। ये दुआ थी, उस वजह से फिर मक्का फतह हुआ। आपने मक्के को खिताब किया, या मक्का तू, ऐ मक्का, लौला अन्न कौमी अखरजूनी मिनकी लमा सकंतु गैरकी, ऐ मक्का, अगर मेरी कौम मुझे तुझसे नहीं निकालती तो मैं कायनात में तुझे छोड़कर कहीं नहीं रहता, अपना घर यहीं बसाता, क्या करूं, मेरी कौम मुझे मारने पे आ गई है, मेरी कौम ने मुझे तुझसे निकाल दिया है। जब मक्का फतह हो गया तो फिर यहां दफन हो जाना था। जंगे हुनैन, फतह मक्का के बाद जो जंग हुई वो जंगे हुनैन है, ये अजीम जंग थी। इस जंग में मुसलमानों को सबसे ज्यादा माल गनीमत मिला, सबसे 6,000 कैदी मिले, 12,000 बकरियां मिली मुसलमानों को, इसमें सबसे ज्यादा माल गनीमत जंग हुनैन में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा माल, अब मक्का अभी फतह हुआ था, हाल में फतह हुआ था, 1 साल हुआ था फतह होकर, सारा माल कुरैश को दे दिया, बकरियां गुलाम सब कुरैश को दे दिया।
अभी जो लोग ईमान लाए थे नए नए, वो आपस में गुफ्तगू करने लगे, भाई अब तक हमें देते थे, अब ये इनका कबीला, इनका शहर, इनके शहर वाले इस्लाम लाए हैं, फतह हुआ है, इसलिए उनको दे दिया, देखा तुम, देखा तुम्हारे को नहीं दिए। अभी कच्चे मुसलमान थे, अभी इस्लाम लाए थे, वो लोग ये गुफ्तगू करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई, अपने खैमे में सारे अंसार को जमा किया और खिताब किया, गुफ्तगू फरमाई, क्या ऐ अंसार मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे जुबानों से। ये वाकया बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम में है। ऐ अंसार मैं तुमसे क्या सुन रहा हूँ, तुम आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हो, क्या मैं उनको सब दे दिया तुम्हें कुछ नहीं दिया तुम ये सोच रहे हो। बड़े ईमान दर्द की बात सरकार ने फरमाई, अंसार की हालत ऐसी हो गई कि खौफ और खशियत के सारे मर्तबे पीछे रह गए। क्या तुम क्या सोचते हो, मैंने उन्हें क्या दिया, मैंने उन्हें दुनिया की फानी दौलत दी, उन्हें बकरियां दिया, आज रहेंगे कल खत्म हो जाएंगे, उनको मैंने दिरहम दिए, आज रहेंगे कल खत्म हो जाएंगे, उनको मैंने दीनार दिया, आज रहेंगे वो कल खत्म हो जाएंगे, उनको कैदी और गुलाम दिए, बांदियां मैंने दी, वो बांदियां कल खत्म हो जाएंगी, वो पैसे कल खत्म हो जाएंगे, वो बकरियां, वो ऊंट, वो सारे पहले खत्म हो जाएंगे, मैं तुम्हारे को कुचा दे रहा हूं, उनको फानी फना होने वाली हर शय दे दिया और मैं तुम्हारे साथ खुद आ रहा हूं, मैं खुद तुम्हारे साथ आ रहा हूं, क्या तुम्हें पसंद नहीं है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो लो तुम बकरियां ले लो, तुम ऊंट ले लो, तुम घोड़ों को ले लो, पैसों को ले लो, गुलाम बांदियों को सबको ले लो, और तुम ये सब ले जाओ और मैं उनके पास चला जाऊं। क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि लोग अपने साथ, ये अल्फाज फरमाया आखिर में, क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि लोग अपने साथ भेड़ बकरियों को ले जाए, पैसों को ले जाए, और तुम जब अपने घर जाओ तो अल्लाह के रसूल को ले जाओ। मैंने तुमने वादा भूल गया है, वादा किया था कि मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है, मैं उठूंगा बैठूंगा तुम्हारे साथ, मक्के से निकल गया, अब कयामत आएगी मुझे मदीने से कोई उठाएगा नहीं। लो सलकतिन नास वादियन, सही बुखारी शरीफ में, लो सलकतिन नास वादियन वसलकतिल अंसार वादियन लसलकत वादियल अंसार, अगर सारी दुनिया के लोग एक तरफ जाए, एक वादी की तरफ, और अंसार मेरे भाई इधर से जाए, तो मैं इनके तरफ जाऊंगा। ये सारे फजाइल क्यों, उन्होंने मुसलमानों को अपने जात पर तरजीह दिया, ये एक बुनियादी चीज थी इस्लाम के फैलने में। अगर वो काम उन्होंने वो नहीं उठाते, ये कदम नहीं उठाते, आज इस्लाम हमारे पास नहीं होता था, ये तरक्की नहीं होती थी। लौलल हिजरत लकुंतुम मिन अल अंसार, लोगों अगर हिजरत ना होती तो मैं मुहाजिर नहीं बनता, अंसार बनता। मुझे मुहाजिर बनने में फख्र नहीं, अंसार बनने में फख्र है। क्यों, अंसार बनने से मुसलमानों के मदद में मुझे हिस्सा मिलेगा। इतनी बड़ी इतना मोहब्बत। एक दफा सारे अंसार आ गए कुछ पूछने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुछ मसला पूछने के लिए आ गए कि हमारे लिए कुछ और सहूलतें दिया जाए, दुनिया की चीज़ पूछने के लिए आए। तो सरकार द्वारा ने देखा कि सारे अंसार जमात बनाकर आ रहे हैं, मरहबम बिल अंसार, भाई खुशामदीद मुबारक, अंसार सारे मिलकर आ रहे हैं, क्या बात है। कहा कि कुछ पूछने के लिए आए हैं। कहा कि दुनिया दो या आखिरत दो, दुनिया की चीज दो या आखिरत की चीज दो। सारे अंसार ठहरे होते बैठ गए, अब कुछ नहीं पूछेंगे, जो आप देंगे वो ले जाएंगे, अब क्या पूछेंगे, जो आप देंगे वो ले जाएंगे। तो ये सारा मसला इसलिए है कि मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद, एक दूसरे का। और वाकया सुनाओ, और ऐसे ऐसे वाकयात है, हैरत है, हम करामतें पीछे हैं इससे। सहाबा से करामतें जाहिर नहीं हुई, मगर उनके आमाल, उनके करतूत, उनके तरीके बड़े बड़े औलिया के करामतों को ललका के रख दी। सहाबी रसूल के घर में मेहमान आ गए, बकरा जबा किए, सर्व ला कर रख लिए, बकरा सारा मेहमान को खिला दिए। शाम में जब पलट कर देखे तो बकरे का सर बचा हुआ है। बेगम से कहा कि बेगम, हमने अपने पड़ोस का ख्याल ही नहीं किया, हमने एक कठोरा सहारा भी उन्हें नहीं दिया, वैसा करते हैं इसको उठाकर उनको दे देंगे, शायद वो लोग भूखे होंगे। एक तश्त में सर को रखा बकरे के,
उस पर से कपड़ा ढाल दिया और पहुंचा दिया पड़ोस में, भाई आपके लिए तोहफा है। वो लोग, उन्होंने देखा कि उनके पास कुछ रूखा सूखा दाल रोटी थी, वो खा लिए। और ये उन्होंने ये सोचा, जिसके पास पहुंचा था उन्होंने ये सोचा कि हमारा पड़ोसी खाया ना खिया नहीं मालूम, अपने बाजू वाले पर उन्होंने ये समझ करके बाजू वाला भूखा होगा शायद, उठाकर पहुंचा दिया। अब तीसरे ने ये सोचा कि हम तो कुछ खा लेंगे, ये इतना सर हमारे को ये क्या करेंगे, उन्होंने उठाकर बाजू वाले को दे दिया। और वो जो मोहल्ला था, वो जो सहाबाए कराम का मोहल्ला था, वो ऐसा अतराफ था, अतराफ था। अब वो तश बकरे का सर था, वो फैलता फैलता फैलता, उन्होंने ये भूखा समझ के उसको दे दिया, उन्होंने ये भूखा समझ के बाजू वाले को दे दिया, उन्होंने बाजू वाला भूखा समझ दे दिया। अब पलटता पलटता सर्किल के शक्ल में इनके इस बाजू वाला जो पड़ोसी था उसने समझा कि इनके घर में मेहमान आए कोई मालूम नहीं था, उन्होंने उठाकर शायद ये भूखे होंगे उस सर को पेश कर दिया। वो देखे कि भाई पड़ोसी कुछ दे रहे हैं, ले लिए, घर में आके देखे तो वही सर था जो इधर दिए थे, जो सर बकरे का बचा कर इधर दिए थे वो पल के इधर से आ गया। ये वाकया सहाबा हर एक ये समझ रहा था, अब ईमान अफरोज बात है, हर एक ये समझ रहा था मैंने मेरे पड़ोसी को दिया वो खा लिया होगा। दोनों के दरमियान बात थी, हर एक ने समझा मैंने पड़ोसी को दे दिया उसने पकाया और खा लिया होगा, हर एक ये समझ रहा था। हालांकि इस सर का पता सारे मदीने में हो गया, हर एक को मालूम है, मगर एक दूसरे को मालूम है ये बात किसी को मालूम नहीं था, ये सिर्फ अल्लाह देख रहा था, ये सिर्फ अल्लाह देख रहा। सुबह में सरकारे दो आलम के पास नमाज फजर में पहुंचे तो आयत नाजिल हुई, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ। भाई रात में वाकया क्या हुआ, कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, तुमने आपस में तरजीह नहीं दी, नहीं यार रसूल अल्लाह हम तो खा लिए थे, पड़ोसी को दे दिए और पका के खा लिए, नहीं वो भी नहीं खाए थे, वो भी किसी और को दे दिए थे। अल्लाह इसका जिक्र कर रहा है महबूब, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, आपको पता है आपकी उम्मत में ऐसे भी लोग हैं, आपके उम्मत में आपके सहाबा में ऐसे भी लोग हैं, वो भूखे सो गए, वो हाजतमंद थे, वो जरूरतमंद थे, उनको इस चीज की जरूरत थी, अपने जरूरत को छोड़ दिया, अपने आप को भूखा सुला दिया, अपने नफ्स को मार दिया, अपने भाई के पेट को भर दिया, ऐसे भी लोग हैं, जरा उनकी तरफ जरा ख्याल फरमाइए। तो छोटे से सर का मसला था, छोटे से सर का तो मसला था, यहां से इस्लाम तरक्की हुआ था। इस्लाम के तरक्की में बुनियादी चीज ये थी, बुनियादी चीज ये थी, सिर्फ ये थी। जंगे तबुक का जब मौका हुआ, सहाबाए कराम 18,000 थे, 10,000 सवारियां थी, क्या किया जाए। और बदर का ही वाकया है, 313 थे, 60 ऊंट थे, 60 ऊंट थे, 313 सहाबा थे। अब क्या करना था भाई, मेरा ऊंट है मैं चढ़ के जाऊंगा। हर ऊंट पर तीन सहाबी सवार होते थे, तीन बारी बारी सवार होते थे, हर ऊंट पर थोड़ी देर इतना रास्ता वो सवार होते, फिर वो उतरते तो दूसरे चढ़ते, फिर उसके बाद तीन की बारी थी। अब एक और ईमान अफरोज वाकया, जहां हर ऊंट पर तीन की बारी थी कि थोड़े से मील तक तुम चलोगे तो थोड़े से मील के बाद दूसरे सहाबी, फिर थोड़ी दूर तक तीसरे, हर वक्त हर ऊंट पर एक सहाबी रहेंगे, उनका जब तक वक्त खत्म होगा दूसरे आएंगे। हर सहाबी इसमें बराबर थे, जिसका ऊंट था वो भी वैसे ही चल रहे थे, जिसका नहीं था वो भी वैसे ही चल रहे थे, ऊंट वाले भी उसी बारी के बराबर, उसी हिस्से के बराबर चल रहे थे। अब ये सारा मसला हो गया, आखाए दो जहां जिस ऊंट पर सवार थे वहां भी बारी थी। हुजूर के साथ हजरत अली थे और अबू लुबाबा इब्ने मुंजिर थे, ये तीन थे। इन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह हम पैदल चलेंगे, कोई बात नहीं है, आप सवारी पे आइए। कहा कि बराबर, क्या तुम अजर ले लोगे, मैं अजर का मुस्तहिक नहीं हूं। मुसलमानों की मदद पर जब कियामत में अल्लाह पूछेगा कि भाई वो लोग उठकर खड़े हो जाए जो एक ऊंट पर तीन बारी बारी चढ़ते थे, जब ये सारे खड़े हो जाओगे और तुम ईसाए में खड़े हो जाओगे, मैं कहां जाऊं, मैं महरूम रह जाऊं।
ये खुद अपना मेयार पेश किया। तो बात इल्मी एक गुफ्तगू चल रही थी, इस्लाही की इस्लाह की भी बड़ी ज़रूरत है हमारे पास। थोड़ी सी बात है, थोड़ी देर के लिए सब्र कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए तरजीह दे देंगे, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बड़ा आजर है। नमाजों का आजर अल्लाह के पास वो नहीं है, अल्लाह की इज्जत की कसम, रोज़ों का आजर अल्लाह के पास वो नहीं है। एक मखलूक दूसरे मखलूक पर मेहरबान हो जाए, ये अल्लाह के गफ़ारियत के लिए ललकार है। तुम कौन होते मेरी मखलूक पर रहम करने वाले? हम एक मखलूक पर रहम करने, हर मखलूक पर रहम करने वाला अल्लाह है, हर मखलूक पर अपने रुबूबियत का इजहार करने वाला अल्लाह है। उसको उठाकर हम दे दें, अल्लाह को ललकार है, अल्लाह मैं मखलूक रहकर इस पर रहम कर रहा हूँ, मैं मखलूक रहकर इसकी जरूरत को पूरा कर रहा हूँ, मैं इला नहीं हूँ, मैं ना इला हूँ ना मैं इसका रब हूँ, रब न रहकर इला न रहकर इसकी जरूरत के लिए मैं बढ़ रहा हूँ, इला रहकर क्या कर रहा है? इतना बड़ा अमल है तो नीयत से भी वाबस्ता हो जाता है। और ये हदीस, एक हदीस जो 1,00,000 के बराबर है, मैं ये अर्ज कर रहा था 1,00,000 के बराबर कैसा है उसको साबित करने के लिए मैंने इन हदीसों को ज़रा तफसील कर दिया। 5 हदीसें इन्नमल आमालु बिन्नियात, 1 हदीस, दूसरी हदीस ला युमिन वहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअखीही मा युहिब्ब लिनफ्सिही, अपने लिए वो पसंद करो जो अपने भाई के लिए पसंद करते हो। मिन हुस्न इस्लाम अल-मरी तर्कुहु मा ला यानीही, अच्छे मुसलमान होने की अलामत यह है कि फजूल चीज़ों को तर्क कर दो। फिर फरमाया अल-मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके ज़ुबान से और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मुसलमान की तारीफ क्या करेंगे, अल्लाह के रसूल ने यह की। फिर फरमाया 5वीं बात अल-हलाल बय्यिनन वल हराम बय्यिनन व बैनहुमा मुश्तबिहुन, हलाल वाज़े है, हलाल क्या है तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया गया, हराम क्या है, धोखा हराम है, झूठ हराम, ये सारी बातें सबको मालूम है, तो नसीहत करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार द्वारा ने फरमाया हलाल क्या है हराम क्या है, दो चीज़ों का हमें बयान कर दिया। व बैनहुमा मुश्तबिहुन, तीसरी एक चीज़ है जिसमें तुम, जिसको कुरान ने बयान नहीं किया, हदीस ने बयान नहीं किया, इसमें फस्तफ्ति कल्बक, अपने कल्ब को पूछो और मालूम कर लो कि ये चीज़ सही है या नहीं, जब शक आ जाए तो उस चीज़ को छोड़ दो। तो बात ये चल रही थी, असल में गुफ्तगू ये चल रही थी कि हदीस और कुरान उसका ज़ाब्ता क्या है, उसका अंदाज़े बयान क्या है। कुरान करीम हर चीज़ को फ़र्दन फ़र्दन अलग अलग बयान नहीं करता। हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत तैयबा नहीं है कि हर चीज़ को अलग अलग बयान करें। एक बात ऐसी आती है कि उसमें सारे मसाइल हल होते हैं, एक बात ऐसी आती है कि उसमें सारे मसाइल तय होते हैं। हदीस का भी अंदाज़ है, कुरान का भी अंदाज़ है। अगर हर चीज़ को अलग अलग तलाश करें तो उसका मतलब ये है कि हमने कुरान को और हदीस को ऐसा समझा जैसे हमारे मसाइल है। अब कुरान अगर हर मसले को अलग अलग बयान, हज का कोई तरीका नहीं है, एहराम का तरीका नहीं है, मैं कितने मसाइल गिनूं, हज़ारों मसाइल नहीं है। 4 रकात नमाज पढ़ने के लिए 1200 मसाइल की ज़रूरत है। बुखारी शरीफ में 2513 हदीसें मुकर्ररात से हटकर है, सिर्फ हदीस जो डबल नहीं आई, ऐसे हदीसें 2513 हदीसें हैं, और सिर्फ 4 रकात नमाज पढ़ने के लिए 1200 मसाइल की ज़रूरत है। फिर रोज़े का मसला, फिर ज़कात अलग है, हज अलग है, सारी चीज़ें अपनी जगह है, वो सब को छोड़कर सिर्फ नमाज के लिए अब कहाँ से हल करेंगे? ये नहीं कि सरकार ने बयान नहीं किया, हर चीज़ बयान कर दिया। मैंने इसीलिए शुरू में ये बयान कर दिया कि साथ किसी को सवाल पैदा ना हो, शक भी ना हो। कुरान करीम में हर शय है, हर चीज़ का बयान है, मगर लेने वाले के अंदर वो काबिलियत नहीं है। जब नहीं लिया फिर उस चीज़ को हासिल करने का तरीका क्या है? हमारी नज़र उतनी दूर नहीं है, हमारा फहम उतना गहरा नहीं है, हमारे फहम में वो सलाहियत नहीं है कि हम हर शय को कुरान और हदीस से तलाश कर सके। तो यहाँ भलाई ये है, बात इंसाफ और दयानत की ये है कि उसके साथ हो जाओ जिसकी नज़र ऐसी है, उसके साथ हो जाओ, उसका फैज हो जाएगा, उसका फैज साथ हो जाएगा। इसीलिए फरमाया फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अहले ज़िक्र से पूछो अगर तुम्हें कुछ मालूम ना हो। अर्रहमान फसअल बिही खबीरा, रहमान का पता किसी बाखबर से पूछो। क्यों कुरान से नहीं पूछेंगे?
रहमान कौन है उसका पता मालूम करना है, किसी बाखबर से पूछो, जो पहचानता है उससे पूछो। भाई सवाल ये होगा, कुरान से बढ़कर कौन है हमें बताने वाला? ये कहना था अल्लाह का तारुफ रहमान कौन है मालूम होना है तो कुरान से लो, कुरान पकड़ो और हासिल करो। कुरान को जब पकड़ेंगे कि अल्लाह कौन है, रहमान कैसा है, उसके सिफात कैसे है, उसकी जात कैसी है, जब इसको रब को तलाश करने के लिए और उसके कलाम को पकड़ेंगे तो उसका कलाम कह रहा है कि उसके पास जाओ जो पहचान चुका है, उसके पास हाजिर हो, बताएगा। कुरान खुद पता वो दे रहा है, क्यों? वो उसके पास जब जाएंगे वो अपने घर की किताब नहीं पढ़ाएगा, वो फिर कुरान खोलकर पढ़ाएगा कि इसमें है रहमान का पता। वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वहु बिकुल्ली शैइन अलीम। तौहीद के बड़े मसाइल इसमें तय हो गए एक आयत में, लैस कमिस्लिही शैइन वहु समीउल बसीर। उलूहियत के बड़े बड़े मसाइल तय हो गए, الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب। सारे अल्लाह के खल्क के साथ कैसा वाबस्ता है सारे बयान कर दिए। ये हम पढ़कर अब पढ़ के समझाओगे इसको कैसे समझाएंगे, इसमें अल्लाह ताला का तआरुफ कैसा है, वो खुद फिर कुरान पढ़ के समझाएंगे कि रब का तआरुफ ऐसा है, अपने घर की बात नहीं बताएंगे। अब ये मुखालता गलत ये हो गई, फिर कुरान रहते पर हदीस से तमाम ही जाए, वो उनके पास इसलिए जाना है इस कुरान का सही फहम नहीं है, उनके घर की बात, उनके जात की बात, उनके तजारत की बात, उनके नफ्स की बात ले नहीं जाना है। यही कुरान जो हमारे भुट्टी में है उसके फहम से हम कासिर है, उस फहम को उस दरबार से लेने के लिए जाना है, कुरान वही है। हमारे बच्चे को अगर हिफ्ज़ कराना है कुरान दे दो बिठा दो भाई पढ़ लो हिफ्ज़ कर लो, कुरान हिफ्ज़ करना है ना, पूरी कुरान वहां है, पूरा कुरान है, याद कर ले बैठ कर, उस्ताद के पास लाकर भेजे, जा वहां पर बैठ। कमाल क्या क्या उस्ताद, बच्चा कुरान ले गया बैठा खाली सुना आया आ गया, वही कुरान बाप तुम सुन लो, नहीं सुन सकेंगे, 100 साल गुजर जाएंगे बच्चा हाफिज नहीं बनेगा। तो ये उसूल है, कुरान करीम हिदायत किसको देता है, कुरान करीम में क्या तलाश करना है और कौन तलाश करना है। अब बात ये हो रही थी हुदल्लिल मुत्तकीन, ये हिदायत किसको देता है। हम कुरान वैसे ही है, क्यों आज महरूम है, क्यों आज ईमान की दौलत से महरूम है, यही आज कुरान था, यही कुरान 1400 साल पहले था, यही कुरान सहाबा के दरमियान था, कोई अल्हम्दुलिल्लाह के सिवा दूसरा अगर पढ़ते नहीं थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते थे, यही कुरान यही 30 पारे यही 114 सूरते सहाबा इकराम में थी, यही 114 सूरते गौसुल आजम पढ़े थे, यही 30 पारों को ख्वाजे अजमीर पढ़े थे, कोई फर्क नहीं हुआ था। यही कुरान जो कर दू अल्लाह की इज्जत की कसम उसका खुद दावा है, एक जबर एक जेर इधर का उधर नहीं हुआ आज तक। 1400 साल गुजर गए फिर इसका पढ़ने वाला बदल गया, जिस किताब का जबर जेर ना हो सका, जेर पेश ना हो सका, तशदीद जज़्म ना हो सका, आयत पहले की आगे पहले की पीछे पीछे की आगे नहीं हो सकी, उस कुरान का पढ़ने वाला ईमान से महरूम, ईमान की हलावत से महरूम, तक़वे से महरूम। क्यों? कुरान करीम सबसे पहले कहा कि हम हिदायत मुत्तकियों को देते हैं, एक पहले एक सीढ़ी पहले तुम चढ़कर आओ उसको हासिल करके आओ, नहीं तो क्या है फिर यही कुरान क्या होगा, युदिल्लु बिही कसीरा। ये अल्लाह का कलाम है, कसीरा ना कहना था कलीला कहना था, थोड़े लोग गुमराह हुए, बहुत सारे गुमराह हुए। कुरान आया क्यों? कुरान आया हिदायत के लिए, कुरान आया ईमान के लिए, कुरान आया तौहीद के लिए, कुरान आया अकाइद के लिए, मगर बहुत सारे इसको नहीं लिए। हिदायत लेने वालों में बहुत कम लोग हैं, उससे गुमराही लेने वाले बहुत ज्यादा हैं। ये दस्तूर हो गया, क्यों? लेने वाले सही नहीं है। हर चीज को हम उसूल से करते हैं, हर चीज को हम उसूल से करते हैं, दुनिया का हर काम उसूल से करते हैं, दुकान जहां लगाना वहां लगाते,
यहाँ चलता नहीं चलता अतराक पूछ कर, हर चीज़ में अकल है, हर चीज़ में फहम है, मगर अपने आखिरत का मसला, अपने ईमान का मसला, जो हमारा सब कुछ सरमाया है, जो हमारा असल सरमाया, उसको छोड़ दिया। अब मुत्तकी कौन है, ये सबसे बड़ी बात है। कुरान जिसको हिदायत देता है, जिसको हिदायत देने का वादा कर रहा है, ऐलान कर रहा है, वो मुत्तकी है। वो मुत्तकी कौन है, फिर कहीं और से ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कुरान करीम खुद बयान कर रहा है, अल्लज़ीन युमिनून बिलगैब, तुम गैब पर पहले ईमान लाओ, फिर कुरान को पकड़ो, बात समझ में आएगी। गैब पर ईमान लाओ। गैब पर ईमान लाना क्या है, गैब पर ईमान लाना क्या है, जो चीज़ गैब नहीं है, जाहिर है, उस पर ईमान लाकर क्या करेंगे, उस पर ईमान लाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखते बोलते ये चीज़ है, ये चीज़ है हमारे साथ, फला बैठे हुए हैं, फला बैठे सब है, बोले हैं क्यों, वो सामने नजर आ रहे हैं अपने पूरे शक्ल सूरत से, छुपे नहीं हैं, उस पर ईमान लाने क्या करेंगे, नहीं कहूँगा तो झूठा बोलेंगे, जहाँ हमारे मुनीर भाई बैठे हैं, मैं नहीं कहूँगा नहीं है तो झूठा हो जाऊँगा, और कभी नहीं कहूँगा कि नहीं है, क्यों, जाहिर है, जाहिर को जाहिर बोलना कमाल नहीं है, गायब को जाहिर बोलना कमाल है, कि ये जो नजर आ रहा है, एक इंसान नजर आ रहा है, एक कोई बंदा नजर आ रहा है, सामने नजर आ रहा है, तो उसको है बोलना, ये ईमान नहीं है, और अल्लाह ताला जो छुपा हुआ है, नजर नहीं आ रहा है, उसको है बोलना, ये ईमान है। जाहिर आम गुफ्तगू कर रहा हूं, उसको जाहिर और पोशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। गैब का सबसे पहला मतलब, अगर मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला गायब में है, हमारे नजर नहीं आ रहा है, इन आंखों से नजर नहीं आ रहा, फिर गुफ्तगू है कि भाई नजर नहीं है, अल्लाह जाहिर नहीं है, वो जाहिर भी अगर जाहिर है तो फिर क्यों ये काम है। जो हमारा अकीदा फिल वक्त है, उससे गुफ्तगू ये है, उससे उस अकीदे से गुफ्तगू ये है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, मगर गायब में है, नजर नहीं आ रहा है, इसके गायब होने को जाहिर समझ कर ईमान ला रहा है, ये तकवे की सबसे अलामत है। मुत्तकी यहां सबसे पहला दर्जा है, यहां का बंदा मुत्तकी बनता है। जब मौला साथ हो गया और मौला के साथ होने का यकीन आ गया, सबसे पहला दर्जा ये ले लिया, तो इंसान के लिए कुरान करीम खुद आकर दस्तक देता है, कहे बंदे तुम्हें मुझसे हिदायत देने का हकदार है आज। इसको छोड़कर रोजाना ये कुरान खत्म कर ले। कुरान तो कहेगा कि मैंने तुम्हारे लिए कोई वादा नहीं किया, मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। गैब के क्या माने हैं, कब्र का अजाब गैब में है, कौन यकीन करेंगे, यकीन करेंगे तो दुनिया की जिंदगी यूं कैसे रहेगी, किसी का माल दबाते हुए दिल में कोई पसो पेश भी नहीं है, कोई काम करते हुए कि इसका बदला वहां जाकर लेना है, कोई है जो देख रहा है, जो गैब में है मगर जाहिर है, उसके जाहिर पर ईमान लाना है। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة نماز پڑھنا ہے وہ جو نماز پڑھنے والا ہے اب نماز تو نہیں پڑھے ہم اب قرآن کریم نے نماز قائم کرنے کا بتایا جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں جس کی نماز قائم نہیں ہے اور پڑھنے والا ہی ہے پڑھ تو رہا ہے مگر قائم کرنے والا نہیں ہے اور وہ شکایت کرے کہ بھائی قرآن سے مجھ کو ہدایت نہیں مل رہی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو اللہ کے دیے میں سے خرچ کرے آج کتنے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے اب میں کہوں گے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کیسے پتا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیے ہم دیے ہوں گے جب مسلمان پورے کے پورے زکوٰۃ دیں گے تو کوئی مسلمان اس سال غریب نہیں رہے گا محتاج نہیں رہے گا مجبور نہیں رہے گا کوئی پستی میں ہے कोई फकर के घुट पी रहा है कोई हाजतमंद अपने चेहरे को पर्दे में छुपा रहा है उसका मतलब यह है कि किसी अमीर ने जकात नहीं निकाला किसी जकात निकालने वाले ने जकात नहीं निकाला उसकी वजह से इस पर यह फकर आया उसके फकर से कोई ताल्लुक नहीं है वो उस पर लौट कर आए ये तकवे की बुनियाद है तकवा मुत्तकी के अल्लज़ीना मैं पहले कहा था अल्लज़ी जहां आया शहर रमज़ान अल्लज़ी रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल हुआ हुदल लिल मुत्तकीन
कुरान हिदायत देता है मुत्तकियों को। मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना युमिनून, जो ईमान लाते हैं गैब। अल्लज़ी फिर लाया, उसके अंदर गैब पर ईमान लाता हो और वो नमाज कायम करने वाला हो, वो इन्फाक करने वाला हो। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और वो जो पिछली किताबों पर ईमान लाया और इस किताब पर ईमान लाया, जो कुछ पहले नाजिल हुआ और अब नाजिल हुआ। इसकी बड़ी लंबी चौड़ी तफसीरें हुई, यहाँ बाज़ मुफस्सिर ने कहा कि वो जो पहले नाजिल हुआ और अब नाजिल हुआ वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलिमा एक था, इन्ना अफ़ज़ल मा अक़ूलु वन्नबियून मिन क़ब्ली ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतर चीज जो मैंने कहा और उससे पहले मेरे भाई अंबिया ने कहा वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। अब कुरान मुराद ले, किताब मुराद ले, जो पहले किताबें गुजरी थी उन पर ईमान लाए और जो कि कुरान नाज़िल हुआ इस पर ईमान लाए। फिर फरमाया वो बिल आखिरति हुम यूकिनून, आखिरत का यकीन जिसके अंदर हो। अब ये जो तरतीब अल्लाह ताला बयान कर रहा है, इसमें से किसी एक का होना, एक का छूट जाना, ये मुत्तकी की अलामत नहीं है। इनमें से जितनी चीजें अल्लाह ने बयान किया, ईमान बिल गैब, इकामत सलात, इंफाक फी सबीलिल्लाह, ईमान मानुंजिल, पिछले जो ईमान किताबों पर ईमान लाना है और इस पर जो ईमान लाना है, पांच, बिल आखिर यकीनन, छह चीजें, पांच छह चीजें जो अल्लाह ने गिने हैं, इन सारे चीजों पर जिसका ईमान हो, इन सारे चीजों को जो कबूल करे वो मुत्तकी है और कुरान उसको हिदायत देगा। ये किताब खुद गुफ्तगू कर रहा है, ऐ मुझे पढ़ने वाले, मुझे क्यों पढ़ रहा है, मुझसे हिदायत लेना चाहता है, तो फिर पहले हिदायत लेने के लिए मुत्तकी बन गया। हर किताब के लिए, किताब बात नहीं करता, पढ़ लिए बस, ये किताब हर पता देता है, हर पता है इस किताब में अपने। वइन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, ये कुरान कहाँ से आया, खुद बयान कर रहा है, लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन ने भेजा। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, किसने लाया, रूहुल अमीन जिब्राइल ने लाया। किस पर उतारा, अला कल्बिक लितकून मिनल मुनज़िरीन, सरकार दो आलम के दिल पर नाज़िल। किस जुबान में, बिलिसानिन अरबी मुबीन, अरबी जुबान में नाज़िल। सारी चीजें, फिर ये उससे पहले कहां था, व इन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन, पहली किताबों में भी इसका तज़किरा है। अपना पूरा तआरुफ़ कुरान दे दिया, क्या चीज बाकी है, सिर्फ मुत्तकी बनना बाकी है, सिर्फ एक मुत्तकी बनना बाकी है। जब इंसान के अंदर तक्वा आ गया, कुरान करीम अब फतवा देता है, किसी के फतवे से डरने की जरूरत नहीं, आज किसी के फतवे से जरूरत नहीं है डरने की। हम ईमान वाले हैं, हम कुफर पर है, हम सही रास्ते पर है। ये चीजें जिसके अंदर आ गई, कुरान की हिदायत उस पर वाजिब हो गई, जिसके अंदर गैब पर ईमान लाना, नमाज को कायम करना, इंफाक करना, आखिरत पर ईमान लाना, आखिरत पर यकीन रखना, ये चीजें जिसके अंदर आ गई, कुरान करीम उसके घुटनी में है, कुरान करीम की हिदायत से वो कभी महरूम नहीं होगा। उलाइक अला हुदा मिन रब्बिहिम, लोगो याद रहो, ये इलाही फतवा है कि ये शख्स हिदायत पर है और ये कामयाब है। उलाइक अला हुदा मिन रब्बिहिम, अपने रब के हिदायत पर है। वो उलाइक हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब है। चैलेंज कर दिया आखिर कुरान का फतवा, दूसरों के फतवा क्यों ले, मतलब जो इस पर नहीं है उनके लिए उनके ईमान की कोई जमानत नहीं है। तो कुरान करीम के बारे में हम गुफ्तगु वहां से शुरू किए कि ये कुरान करीम जिस रात में नाजिल हुआ उस रात को अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से अफजल बना दिया। ये कुरान करीम जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना तमाम महीनों का सरदार बन गया। हर एक को फजीलत मिली, हर एक जिसके पास ये किताब आ जाए वो हर खैर से मालामाल, जिसके पास से ये किताब हट जाए हर शर उसके घर में, हर शर उसके हाथ में। शर सारे इस किताब को छोड़ने में, सारा खैर इस किताब को पकड़ने में। कुरान को पारों के हद तक औराक नहीं है, कुरान मंशाए हक का नाम है। जिसके अंदर मंशाए हक आ जाए वो आईने कुरान है। अब बड़े अब आ गए, एक हाफिज साहब आ गए, पूरा कुरान यूज कर लिए और अपने मन की जिंदगी गुजार रहे हैं, आईने कुरान बोलेंगे। अब फिर कोई 1400 साल पहले का हबीब अजमी आ जाए, जिसको अभी अलीफ ना मालूम ना बा मालूम,
हबीब आजमी इमाम हजरत पीराने पीर गौसे आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर के शेख में से अलिफ बा तक नहीं पढ़े थे। अजमी का मतलब गूंगा, जिसको अरबी से कोई ताल्लुक ना हो, कुरान तक पढ़ना नहीं आता था, मगर जब उनके सामने कुरान की तिलावत होती थी ज़ार और ख़तार होते थे। लोग पूछते कि आप कुरान से वाकिफ नहीं हैं, आपको समझ में नहीं आता, फिर ये आप रो कैसे रहे हैं। कहा कि मियाँ जिससे मोहब्बत हो जाए ताल्लुक हो जाए, तुमने बेटे को नहीं देखा जब उसको भूख लगती है शीर खारगी में, वो माँ को नहीं बुलाता कि मुझे भूख लगी है, माँ उसके रोने को देखता है, उसकी जुबान नहीं होती। यहाँ माँ और बेटे के दरमियान ममता की मोहब्बत है, मोहब्बत जहाँ आ जाती है वहाँ जुबान काम नहीं करती, वहाँ जुबान का ताल्लुक नहीं है। ये जुबान तो पूछ रहे हो, इसको जुबान से क्या ताल्लुक है, ये मेरे मौला का मंशा है, ये मेरे मौला की मर्जी है, ये उसका मंशा हमारे को समझाने के लिए अरबी जुबान में आया। मगर अब अलबत्ता जिसके अंदर तकवा आ जाए, कुरान करीम ने ऐलान किया, ये नहीं कहा कि जिसको अरबी आ जाए, जो अरबी में माहिर हो जाए उसको हिदायत है, ये नहीं कहा, जिसको तकवा आ जाए कुरान खुद उसके पास आकर हिदायत देता है। ये भी है और वो भी है। एक आयत का मिज़दाक जिंदगी में आ जाए, एक आयत का मिज़दाक जिंदगी में आ जाए, वो ऐने कुरान है। सरकारे द्वार ने फरमाया ऐसा शख्स मन क़रा अल-क़ुरान व अमिला बिमा फी, जो कुरान को पढ़े और उसमें जो कुछ अमल करे, उल भी सवारी दाहु साजन यौमल क़ियामा ज़ौहु अहसन मिन ज़ौहि शम्स, इसके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा। एक कुरान की आयत, एक हर्फ उसका मिज़दाक आ जाए, उसका फहम आ जाए, सारे मनाजिल तय है। हमने इसको लाकर वहाँ रख दिया। कुरान करीम इन पारों का नाम सिर्फ नहीं है, वो कुरान है, उसको पढ़ना चाहिए। सिर्फ पढ़ने के लिए कुरान नहीं आया, हमने सारा महीना कुरान सुना और कुरान पढ़ा, अब रमज़ान गया कुरान रख दिए। इसका मुतालबा ये था कि कुरान पढ़ ली। हमारे शेख ये कहते हैं, उसकी मिसाल देते हैं कि बाप जो है सफ़र में कहीं गया था बाप, ख़त लिखकर बच्चे को भेजा, ख़त जब घर को पहुंचा, बेटा देखा और पढ़ा, उठाने लग दिया, वो पैसे भेजा, वो कहने लगा कि बेटे मैं जो पैसे भेज रहा हूँ इसमें से ये पैसे अपने तालीम के लिए रखो, इतने पैसे अपने अखराजात के लिए रखो, ये काम ऐसा करो, सारे हुक्म ख़त में लिख दिया। बेटा पढ़ा और आँखों को लगा के रख दिया, पढ़ के आँखों को लगा के रख दिया कि मेरे बाप का ख़त है, पढ़ लिया। बाप जब पलट के आएगा तो जूते मारेगा नहीं, बाप से कहेगा कि मैं तो पढ़ लिया और आँखों को भी लगाया। अरे बेटे मैं सिर्फ पढ़ने और आँखों को लगाने के लिए नहीं भेजा था, बाप के लिए एहतरामन लगाया आँख को, सही बात है, बाप का ख़त समझकर पढ़ा है समझने के लिए, ये भी सही है, मगर भेजा किस लिए था तुम्हें, उसको छोड़ दिया, सबको ले लिया। अब बहुत सारे उलमा इसके दावेदार हैं, हमें अरबी आते हैं, अरबों के हालत को देखेंगे, आज दुनिया में सबसे ज्यादा अरबी जानने वाले कौन है मालूम, यहूदी है, उतनी अरबी डिक्शनरी अल-कामूस सबसे बड़ी डिक्शनरी है अल-कामूस, वो यहूदी की है। अल-मुंजिद अरबी की डिक्शनरी है, अल-मुंजिद फिल अरबी फिल लुगत अल-अरबी, अल-मुंजिद फिल आलाम, ये दो बड़ी डिक्शनरीज है अरबी की, ये दो यहूदी की लिखी हुई है। अरबी आ गई इस्म खानदी राम सम्मा रहु जो, अरबी आ गई कुरान नहीं आया। तेरे जमीर पर जब तक न हो नुज़ूले किताब, गिरह कुशा है न राजी न साहेब कशाफ, तुम्हारे दिल पर जब तक कुरान का नुज़ूल नहीं होगा, उस मंशा का इकरार, उस मंशा का इस्तिकरार कल्प पर जब तक नहीं उतरेगा, वो खतरा एक भी अगर एक हर पे उतर जाए, गिरह कुशा है न राजी न साहेब कशाफ, हजार इमाम राजी जैसे आ जाए, हजार साहेब कशाफ जैसे आ जाए, कोई बात नहीं। ये बड़े अब ये तो फर्द का नाम लिया था, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम राजी बहुत बड़े इमाम थे, कुरान की उनकी तफसीर है तफसीर कबीर, तफसीर कबीर लिल राजी फखरुद्दीन, उनकी किताब बड़ी तफसीर है, बहुत बड़ी तफसीर है।
साहेब कशाफ अल्लामा जारुल्ला जमखशरी वो थे मुतजिली। लौलल अरजान मा फहिमल कुरान इल्लल अरजान अहदहुमा कशाफ व जुरजान। दुनिया में सिर्फ एक अरबी दाम ने कहा, इसको अरबी से ज्यादा मोहब्बत है, उसने कहा कुरान को दुनिया में सिर्फ दो आदमी ने समझा, वो कौन है? एक जुरजान और एक कशाफ। अरबी माहिर थे इसीलिए कहा कि ये समझे हैं। अरबी एक अपनी जगह है, इसको बड़ा दखल है, सब है, मगर कुरान जिसको कहते हैं, कुरान जिस चीज़ का नाम है, उससे फ़ायदा जो आना है, उससे ज़िंदगियों में सहाबा किराम ने जो बरकतें हासिल की थी, वो तो सारी ज़िंदगी, पूरी सारी ज़िंदगी जिहाद में चली जाती थी, पूरी ज़िंदगी उनके लिए कुरान जमा किया हुआ नहीं था कि रोज़ाना सुबह शाम दस दस पारे, तीन तीन पारे पढ़े, फिर उनको कुरान से फैज़ान कैसे मिला, कुरान के बरकतों से मालामाल कैसा हुए सहाबा किराम। कुरान तो सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में जमा हुआ खाली एक जगह, फिर उसके बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में सारी दुनिया में कुरान के अलग अलग हिस्से नुस्खे फैलाए गए, उस वक्त कुरान आम हुआ। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद 25 साल के बाद काम हुआ। 25 साल का जो अरसा गुजरा, हर एक के हाथ में कुरान नहीं था जैसा आज हमारे सामने है। कुरान हाथ में 30 पारों का 30 पारे उनके हाथ में नहीं था, मगर कुरान की बरकतें उनकी ज़िंदगी में थी, कुरान का मिसदाक उनकी ज़िंदगी में था, कुरान का हाल उनकी ज़िंदगी में था, कुरान का इल्म आयनादार था, कुरान का, कुरान के वो आयनादार थे, कुरान उन्हें बताता था, वो कुरान को बताते थे। ये बात इससे आगे उनके अमल को पहले देखता था, कुरान बाद में नाजिल होता था। सहाबा वो करते थे जो कुरान में है, और अल्लाह ताला वो नाजिल करता था जो सहाबा करते थे। उनके अमल पर कुरान उतरता था। अब उन हस्तियों को क्या करेंगे? जब अमल पर अल्लाह ताला कुरान उतारता है, तो जब वो कुरान जो अमल करने के बगैर उतरा है, उस पर अमल नहीं करेंगे? बेशुमार आयतें कुरान की, सहाबा ने ये कहा, 21 आयतें उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताईद में नाजिल हुई। पर्दे की आयत नाजिल हुई, पर्दा नहीं, 6 हिजरी में पर्दे की आयत नाजिल हुई। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश उम्मुल मुमिनीन रज़ी अल्लाहु अन्हा रात में कहीं निकली थी, आपने देखा, डांटा के कौन है, कहा कि मैं ज़ैनब हूँ, कहा कि उम्मुल मुमिनीन आप इस रात में क्यों बाहर आई, तो कहा कि मेरी ज़रूरत के लिए आई मैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा होता आप रात में ऐसा ना निकला करें, ये बात मुनासिब नहीं है। आपने कहा, उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु लहजा ज़रा सख्त था, बोलने का अंदाज सख्त था, तो उम्मुल मुमिनीन ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा कि उमर ये क्यों हमारे मामले में दखल अंदाजी करते हो? वो सरकार के पास गई, सरकार द्वारा की बारी उनके घर थी, जाकर कहने लगे या रसूलल्लाह ये उमर है कि क्यों हमारे मामले में मुदाखलत करते हैं? कहा क्या हुआ? कहा कि उमर ने ये कहा, ये गुफ्तगू हो रही थी, उमर ने कहा कि काश तुम रात में ना निकलती, घर में ही रहती, पर्दा कर लेती, पर्दे का हुक्म नहीं आया था, ये गुफ्तगू हो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को झुका लिए। वही की अलामत थी कि इस तरह से अपने सर को डाल देते थे। गुफ्तगू हो रही है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहाँ कहा था काश अल्लाह ताला पर्दे की कोई आयत नाजिल कर देता। ये गुफ्तगू कर ही रही थी, आयत नाजिल हो गई, या अय्युहन नबियु कुल लि अज़वाजिका व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन। ऐ महबूब, आप पहले अपने बीवियों को कहिए, वो बनातिक, फिर अपने बेटियों को कहिए, वो निसाइल मुमिनीन, फिर ईमान वालों की औरतों को कहिए, क्या वो पर्दा कर लें। अब आयत नाजिल हुई, पहले चाहत थी उनके फितरत में, ये थी कि वो अल्लाह के मंशा को अपने फितरत में देखते थे। सहाबा सहाबा इसलिए थे, उनकी फितरत को अल्लाह ने अपने मंशा के मुताबिक पैदा किया था, वो चीज़ सोचते ही नहीं थे जो अल्लाह के मंशा के खिलाफ हो। अल्लाह के, जब शराब की पहले आयत नाजिल, शराब एक साथ हराम नहीं हुई, पहली मरतबा हुक्म आया या अय्युहल्लज़ीन आमनू, पहली आयत, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर, लोगों ने पूछा। अब कुरान का अंदाज देखिए, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर, लोग आकर पूछे कि या रसूलल्लाह ये शराब क्या है, ये जुआ क्या है, तो आयत नाजिल हुई, इन्नमा इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़ईहिमा, फ़ायदा तो है उसमें लेकिन उसका नुकसान ज़्यादा है।
हराम नहीं हुई है। शराब में फायदा ज्यादा है लेकिन उसका नुकसान गुनाह बहुत ज्यादा है। ये आयत नाजिल हुई तो बहुत सारे सहाबा शराब छोड़ दिए। फिर दूसरी मर्तबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, एक सहाबी के किसी घर में दावत हो गई, सहाबा जमा हो गए, दावत में शराब भी था, शराब इस्तेमाल की, अभी हराम नहीं था शराब, बस शराब पी लिए। नमाज से मगरिब का वक्त आ गया, बाज लोगों ने यहाँ हजरत अली को दाखिल कर दिया हालांकि आप उस दावत में ही नहीं थे। नमाज पढ़ा दिए, कुल या अय्युहल काफिरून, उसका मजमून क्या है, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, और तुम उसकी इबादत हरगिज नहीं करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूं, उसका मजमून ही है। शराब के नशे में उन्होंने उस आयत के मसले को, मतलब को उल्टा कर दिया। क्या कहा, तुम जिसकी इबादत करते हो मैं उसकी इबादत करता हूं, कुफर तक पहुंच गए। ये बात हुई तो वाकिया सहाबा इकराम ने आकर पूछा तो आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में नमाज के करीब ना आओ। ये आयत नाजिल हुई तो बहुत सारे सहाबा, ये शराब तो ऐसी चीज है हमें अल्लाह से मिलाने में रुकावट है, अल्लाह से मिलने में रुकावट है, ऐसी चीज क्यों रहे, निकाल दिए। दूसरा, बात चंद सहाबा थे, उसके बाद आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमली शैतान फजतनिबू। ये आयत, यहां से शराब हमेशा के लिए हराम हो गई, कि शराब हराम है, यहां शराब हराम हो गई। तो सहाबा इकराम पिछली आयत पर ही जहां गुंजाइश थी यहां पी सकते हैं, जहां कहा अल्लाह ने सहाबा ने छोड़ दिया, क्यों, उनको अल्लाह के अंदाज में अल्लाह का मंशा समझ में आ गया था कि अब ये शराब अल्लाह कह रहा है कि इसमें नफा है मगर इसका नुकसान ज्यादा है, तो वो सहाबा समझ गए शायद मेरे मौला की नजर में ये चीज नापसंद है, पहले छोड़ दिया उन्होंने। आज तो सामने वाज़ह चीज है, अल हलाल बगीनन वल हराम बगीनन, हलाल और हराम वाज़ह सामने है, उसके बावजूद भी उनके पास ये मंशा था, ये तबीयत थी, कुरान से फैज पाए, जिन्होंने इस तबीयत को हटा दिया। तक्वे की जरूरत है, तक्वे का सबसे पहला मेयार, मैं अपने बात को खत्म करने पे आ रहा हूँ, पहला मेयार अल्लाह के साथ होने का यकीन है, फिर उसके बाद नमाज को तर्क न करे, ज़कात इन्फाक जब तक बाकी रहेंगे हमारा मुआशरा सही सलामत रहेगा, मुसलमान इज्जतों में रहेंगे, जब उसके बाद फिर आखिरत का यकीन जिसको हो उसकी नमाज अच्छी, उसका सुबह अच्छा, उसका शाम अच्छा, आखिरत का जिसको यकीन नहीं वो सारी जिंदगी मस्जिद में बैठा रहे, उससे कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को गिन कर रख दिया और कुरान करीम को इसके हवाले और इसको कुरान के हवाले कर दिया, सारी बात तकवे पर रखा। कुरान से अगर इस्तेफादा करना है, ये रात इस कुरान के सदक़े में मिली है, जिस तरह इस रात को फजीलत मिली हमें भी उससे बढ़कर फजीलत मिल सकती है, शर्त यह है कि इस कुरान के ताबे हो जाए, अपने मंशा को हटा दे, मौला के मंशा को इख्तियार करे। मैं आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, अल्लाह जो कुछ भी कहा गया सुना गया अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे लफ्जिशों को अफू फरमा, हमारे हमें तौबा की तौफीक अता फरमा, तेरे महबूब तरीन बंदों की तौबा में शुमार फरमा, कुरान का फहम दे, हदीस की फहम दे, दीन का फहम दे, इहया-ए दीन पर मुंतखब फरमा, तेरे ज़ात पर तवक्कुल अता फरमा, तेरे वादों पर यकीन अता फरमा, तेरे क़ज़ा पर रज़ा अता फरमा, तेरा वादा है तो मुसलमानों की मदद करता है। तेरे महबूब ने फरमाया, फरमाने रसूल का तुझे वास्ता, नस्बत रसूल का तुझे वास्ता, ये वक्त है रहम कर ज़मीन की फितनों से, आसमान की बलाओं से, इन काफिरों के नरगों से, उनके धोखों से महफूज फरमा। हम तो खार है, बदकार है, गुनाहों से शर्मिंदा है, तेरी बारगाह में आए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का वास्ता लाए हैं, नहीं कोई अमल तुझे बताने के काबिल, न कोई सूरत है तुझे दिखाने के काबिल, हम तेरे फजल से मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिल्लाह, तेरे फजल से तेरे महबूब की उम्मत में है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, तेरे फजल से तेरे औलिया की खाक पा है, इन नस्बतों का वास्ता, हमें हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें जो परेशान हाल परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार है सेहत आजिला कामिला, जिन्होंने दुआ की गुजारिश की है उनको सेहत आजिला कामिला मुस्तमर अनात फरमा, मरीज भी तेरा है, मर्ज भी तेरा है, दवा भी तेरी, शिफा भी तेरी चाहिए, शाफी मुतलक शिफा है, कामिला आजिला मुस्तमिला फरमा, हमारी दुआ को तेरे पैर हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से कबूल फरमा।
वास्ता है कि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबी व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व अहलि बैतिही सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा व आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाह।